हेलो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं आज आप लोगों के साथ में डिस्कस करना चाहता हूँ द यूसेस ऑफ इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट्स इन इंग्लिश। ठीक है, देखिए इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट्स के बारे में आप मोस्ट ऑफ यू मतलब ज़्यादातर आप में से जानते होंगे कि इंग्लिश में इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट्स इट एंड देयर को कहा जाता है। ठीक है, लेकिन आज जो हम डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट्स के ये यूसेस इस वीडियो में, ये उससे कहीं ज़्यादा होंगे। जितना आप इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट्स के बारे में अभी तक जानते होंगे उससे काफ़ी ज़्यादा कुछ इसमें आपको सीखने को आज मिलेगा। ठीक है, एक दो बातें जो मैं आपको स्टार्टिंग में ही क्लियर कर देना चाहता हूँ वो ये है कि ये जो इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट्स जिन्हें हम कह रहे हैं, वी कैन और पीपल कॉल देम डमी सब्जेक्ट समटाइम्स, पीपल कॉल देम प्रिपरेटरी सब्जेक्ट समटाइम, एंड पीपल लाइक अस समटाइम कॉल इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट्स देम। तो ये कोई मतलब डिफरेंट टर्म्स नहीं है, मतलब डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को रेफर करने वाले टर्म्स नहीं है। डमी सब्जेक्ट्स, प्रिपरेटरी सब्जेक्ट्स या इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट्स आर द सेम थिंग, ये एक ही बात है। ठीक है, मुझे लगता है इंट्रोडक्टरी मुझे थोड़ा सा, या डमी सब्जेक्ट भी अच्छा होता है, मतलब प्रोनाउंस करने में इट इज इजी टू प्रोनाउंस डमी, लेकिन मुझे लगता है कि इंट्रोडक्टरी कहना थोड़ा सा बेटर होता है। क्या वजह है वो अभी आप समझ जाओगे। सो वी कॉल देम इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट्स इन इंग्लिश, तो इट एंड देयर आर द इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट्स इन इंग्लिश। इस आज लेक्चर में हम क्या सीखेंगे, इस लेक्चर में आज हम ये सीखेंगे कि व्हाट आर इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट्स, व्हाई डू वी यूज देम, हम उन्हें क्यों यूज करते हैं इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट्स को, व्हाट पर्पस डू दे सर्व इन इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश लैंग्वेज जो कि सर्वस पर्पस को सर्व करने के लिए उनका यूज किया जाता है, एंड व्हाट आर द स्पेशल यूसेस ऑफ इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट्स दैट वी नीड टू नो, और इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट्स के ऐसे क्या स्पेशल यूसेस होते हैं जो हमें आने चाहिए और जिन पे बेस हमारे पेपर में क्वेश्चंस आ सकते हैं या जो लैंग्वेज को बेटर समझने के लिए हमें हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको स्टार्टिंग में ये क्लियर कर देता हूँ कि आज जो भी हम यूसेस डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट्स के, ये यूसेस आपको कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में जो डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन होते हैं, इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं पेपर में, आप सभी पहले से बात जानते होंगे। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चंस आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में वो आपके सही होंगे हमेशा, वो आप उनको सॉल्व कर पाओगे। उसके बाद में अगर आप थोड़ा सा लेवल लर्निंग का उससे हायर है, ठीक है, कि आप केवल क्वेश्चन आंसर से सेटिस्फाई ना होके इंग्लिश को और बेहतर तरीके से समझना जानना चाहते हो, ठीक है, तो उसमें भी आपको ये इट विल हेल्प यू अ लॉट। तो कुल मिला के ये जो आज का मतलब लेक्चर हमारा है, इट विल हेल्प बोथ दोज हु आर एस्पायरेंट्स ऑफ फॉर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स और गवर्नमेंट जॉब्स, एंड दोज हु आर इन्वॉल्व इन टीचिंग ऑफ इंग्लिश, जो इंग्लिश टीचिंग करते हैं, ठीक है, उनको भी हेल्प करेगा। ओके, तो इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट्स के क्लास मतलब यूसेज स्टार्ट करने से पहले सम बेसिक्स जो मैं चाहता हूँ वी ब्रश अप दोज बेसिक्स, हम एक बार उन बेसिक्स को रिवाइज कर लें। सबसे पहले तो देखिए क्या कि इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट्स होते क्या हैं, ये आपको भी पता है, मैंने अभी बता भी दिया कि इट एंड देयर इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं। ओके, दूसरा क्या होता है, सब्जेक्ट क्या होते हैं, ठीक है, ये भी बता देते हैं। वी ऑल नो व्हेन वी हैव टू से समथिंग और व्हेन वी हैव टू राइट समथिंग इन इंग्लिश लैंग्वेज और इन एनी अदर लैंग्वेज, वी नीड अ सेंटेंस, वी नीड अ सेंटेंस टू कन्वे द मीनिंग और थॉट्स और आइडियाज दैट वी कैरी इन आवर माइंड। ठीक है, तो जो सेंटेंस होता है उसके दो इंपॉर्टेंट पार्ट्स होते हैं, एक पार्ट होता है जिसे हम सब्जेक्ट कहते हैं, एक पार्ट होता है जिसे हम प्रेडिकेट कहते हैं। सब्जेक्ट इज व्हाट वी टॉक अबाउट एंड प्रेडिकेट इज व्हाट इज टोल्ड अबाउट द सब्जेक्ट, ये सबको पहले से पता होगा। तो सब्जेक्ट वो होता है जिसके बारे में हम बात करते हैं, अब प्रेडिकेट वो बात होती है जो हम उसके बारे में बता रहे होते हैं, ये भी हमें पता है। खैर, ये आम बातें सबको पता है, ठीक। लेकिन इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट्स के यूसेस जिस तरीके से मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, जिस तरीके से आप चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि आपको जिस मतलब लेवल की नॉलेज हो उस लेवल की नॉलेज के लिए कुछ चीजें और भी आपको जान लेनी चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, समझिए, यहाँ पे जैसा कि हमने डिस्कस किया कि किसी भी सेंटेंस के दो पार्ट्स होते हैं, एक सब्जेक्ट होता है और एक प्रेडिकेट होता है, ठीक है। अच्छा, कोई भी सेंटेंस हम यूज क्यों करते हैं, हम क्यों बोलते हैं सेंटेंसेस को, हम क्यों लिखते हैं सेंटेंसेस को, उसके पीछे लॉजिक ये होता है कि हम अपने लिसनर को कुछ बताना चाह रहे होते हैं, उसको कुछ समझाना चाह रहे होते हैं, दैट वी हैव गॉट इन आवर माइंड, जो हमारे माइंड में है हम उसके साथ में शेयर करना चाह रहे होते हैं, ठीक है, इसलिए हम सेंटेंस लिखते बोलते हैं। तो सेंटेंस का जो प्रेडिकेट पार्ट होता है ना, ये वो इंफॉर्मेशन होती है जो हम अपने लिसनर को समझाना या बताना चाह रहे होते हैं, ये इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड है वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। तो सेंटेंस के जो दो पार्ट होते हैं, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, उनमें से जो प्रेडिकेट होता है दैट इज द इंफॉर्मेशन दैट वी वॉन्ट टू शेयर विद आर लिसनर, ये वो इंफॉर्मेशन होती है जो हम अपने लिसनर के साथ में शेयर करना चाहते हैं। तो आप इस सेंटेंस को मतलब आप इस बात को ऐसे ध्यान रखेंगे कि किसी भी सेंटेंस में जो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट होते हैं उनमें से द प्रेडिकेट इज द न्यू इंफॉर्मेशन दैट वी वांट टू शेयर विद अ लिसनर एंड सब्जेक्ट इज अज्यूम्ड टू बी ऑलरेडी नोन।
सब्जेक्ट जो होता है वो ऑलरेडी नोन, मतलब हम ये मान के चलते हैं कि सब्जेक्ट इज ऑलरेडी नोन एंड जो प्रेडिकेट है दैट इज द न्यू इन्फॉर्मेशन। तो सेंटेंस में जो प्रेडिकेट होता है वो न्यू इन्फॉर्मेशन होती है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि हम किसी सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं और वो सब्जेक्ट हमारे लिसनर को पहले से नहीं पता, तो हम उन सब्जेक्ट्स के साथ में इंडेफिनिट डिटर्मिनर्स या इंडेफिनिट आर्टिकल्स का यूज कर लेते हैं, लेकिन फिर भी न्यू इन्फॉर्मेशन जो होती है वो प्रेडिकेट ही होता है। मतलब जिस जो बताने के लिए हम सेंटेंस यूज कर रहे होते हैं वो प्रेडिकेट में इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है, ये ध्यान रखना है। द प्रेडिकेट इज द न्यू इन्फॉर्मेशन दैट वी वॉन्ट टू शेयर विद द लिसनर एंड सब्जेक्ट इज अज्यूम टू बी ऑलरेडी नोन टू द लिसनर। ओके, जैसे हमने ये लिखा डेली इट दिस सिटी, मतलब इन तीनों में से यू कैन यूज एनी ऑफ दिस थ्री वर्ड्स, ये सब्जेक्ट्स हैं, मतलब इनमें से कोई भी आप चाहो तो यूज कर लो, और ये इसका प्रेडिकेट है। ये एग्जाम्पल सेंटेंस है जिनसे आपको ये बात समझ में आ जाए कि प्रेडिकेट इज द इन्फॉर्मेशन दैट वी वॉन्ट टू शेयर विद अ लिसनर, ठीक है। तो इस ये जो सेंटेंस हमने लिखा है डेली इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, इसमें क्या इंफॉर्मेशन जो है हम अपने लिसनर के साथ में शेयर करना चाह रहे हैं, तो ये इंफॉर्मेशन है इज द कैपिटल ऑफ इंडिया, ठीक है। मतलब डिफॉल्ट हम यही मान के चलते हैं, डिफॉल्ट ऐसा ही इंफॉर्मेशन जो हम नई अपने लिसनर को दे रहे होते हैं वो प्रेडिकेट में होती है। मोहन ही माय फ्रेंड, यू कैन यूज इधर ऑफ दिस, इनमें से कोई भी आप सब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है। हैज बीन वेटिंग फॉर मी सिंस मॉर्निंग, हमारे लिए मॉर्निंग से इंफॉर्मेशन मतलब वेट कर रहा है, तो ये हम बता रहे हैं अपने लिसनर को कि वो सुबह से मेरे लिए इंतजार कर रहा है, ठीक है। तो ये वो इंफॉर्मेशन है जो हम शेयर कर रहे हैं, जो हम बताना चाहते हैं अपने लिसनर को, ठीक है। ये इंफॉर्मेशन किससे रिलेटेड है वो हम सब्जेक्ट को लिख देते हैं। तो सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में अगर मैं अपने लैंग्वेज में अपने तरीके से बात को एक्सप्लेन करूं तो प्राइमरी जो होता है वो प्रेडिकेट होता है, ठीक है। प्रेडिकेट किससे रिलेटेड है वो सब्जेक्ट होता है, ठीक है। लेकिन जो लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से या मतलब इंटरेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होता है, प्राइमरी होता है, वो प्रेडिकेट होता है, ये हमेशा ध्यान रखना, ठीक है। एंड सो आर दी अदर सब्जेक्ट्स, बाकी सब्जेक्ट्स भी इसी तरीके से हैं, ठीक है। तो एक तो ये बेसिक पॉइंट अपना क्लियर कर लें कि सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट में प्रेडिकेट वो इंफॉर्मेशन होती है जो हम अपने लिसनर को बता रहे होते हैं, दैट इज द न्यू इंफॉर्मेशन, और प्राइमरी जो पार्ट होता है वो प्रेडिकेट होता है, ठीक है। देखिए मैं इस बात को आपको एक दूसरे तरीके से भी समझा देता हूँ। वेन एवर वी हैव टू राइट और वेन एवर यू हैव टू स्पीक सम सेंटेंस, वी नीड बोथ दिस पार्ट्स, सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट, हमें दोनों की ही जरूरत होती है। प्रेडिकेट के बगैर या सब्जेक्ट के बगैर आप सेंटेंसेस नहीं बना सकते, ठीक है। लेकिन इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, वी नो दैट वी कैन फॉर्म इम्पेरेटिव सेंटेंसेस विदाउट सब्जेक्ट्स, ठीक। दो देयर इज अ सब्जेक्ट, वहां पे सब्जेक्ट होता है, यू होता है, ऑलवेज होता है, ठीक है। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस ऑर्डर एडवाइज रिक्वेस्ट होते हैं, तो उनका डिफॉल्ट सब्जेक्ट यू ही हो सकता है और कोई हो नहीं सकता, ठीक है। बिकॉज वेन एवर यू एडवाइस और रिक्वेस्ट और ऑर्डर समबडी, द पर्सन इज ऑलवेज योर लिसनर, सो द लिसनर मीन्स यू। तो इम्पेरेटिव सेंटेंसेस हम फॉर्म कर सकते हैं विदाउट सब्जेक्ट, हमें मतलब सब्जेक्ट होता है, मतलब देयर इज सब्जेक्ट, बट वी डोंट हैव टू राइट इट और वी डोंट हैव टू स्पीक इट, ठीक है। हमें उसको बोलना है या मतलब लिखना नहीं पड़ता, दैट गोज अंडरस्टूड। तो कुल ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये बात मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि वी कैन नेवर फॉर्म अ सेंटेंस विदाउट अ प्रेडिकेट, दो वी कैन फॉर्म अ सेंटेंस विदाउट सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के बगैर हम सेंटेंस फॉर्म कर सकते हैं, इंपेरेटिव सेंटेंसेस विदाउट सब्जेक्ट ही लिखे जाते हैं, ठीक है। लेकिन विदाउट प्रेडिकेट यू कैन फॉर्म नो सब्जेक्ट एंड नो सेंटेंस। तो इससे आपको ये ध्यान रखना है कि जो प्राइमरी पार्ट होता है वो प्रेडिकेट होता है, क्योंकि प्रेडिकेट की वजह से ही सेंटेंसेस को लिखा है बोला जाता है। इफ यू हैव गॉट नो प्रेडिकेट यू नीड नॉट से एनीथिंग, अगर आपके पास प्रेडिकेट नहीं होगा तो आपको कहने की कोई जरूरत नहीं, आपको बोलने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास कहने के लिए कंटेंट ही नहीं है, आपके पास लिखने के लिए कंटेंट ही नहीं है, देन यू डोंट नीड एनी सेंटेंस, तो आपको सेंटेंस की जरूरत ही नहीं है। तो प्रेडिकेट इज द प्राइमरी थिंग, ठीक है, प्रेडिकेट ही मतलब प्राइमरी होता है सेंटेंस में, ध्यान रखेंगे। खैर उसके बाद में ये जो हमारे इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं इनका यूज किया जाता है विद द वर्ब बी, इनका यूज वर्ब बी के साथ किया जाता है। बी का मतलब है इज एम आर वॉज वर बीन बींग ऑल दिस, ठीक है, फॉर्म्स ऑफ द वर्ब बी। तो ये जो वर्ब बी है जिसके साथ हम इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट्स का यूज करते हैं, इसके भी बेसिक एट्रीब्यूट्स अगर आपको पहले से ना पता हो, जो मुझे पता है कि नहीं पता होंगे, तो वो भी जान लें, ठीक है। देखिए हालांकि हम इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट देयर का यूज कुछ और वर्ब्स के साथ भी कर सकते हैं, ठीक है, वी कैन यूज the introductory subject there with some other verbs other than be, लेकिन वो verbs जो होती हैं वो be का ही substitute होती हैं। आप ये ध्यान रखेंगे कि वो verbs वही function वही attributes share कर सकती हैं, express कर सकती हैं जो attributes of be होते हैं। तो primarily आप मान के चलेंगे कि there और it जो हमारे introductory subjects होते हैं उनका use हम verb be के साथ में करते हैं, या उन वर्ब्स के साथ में करते हैं जो बी के सब्सटीट्यूट्स ही होती हैं, दे आर नॉट डिफरेंट वर्ब्स, उनका कोई डिफरेंट फंक्शन है, डिफरेंट फीचर नहीं होता है, दे आर द एट्रीब्यूट ऑफ द वर्ब बी, ठीक है, सब्सटीट्यूट ऑफ द वर्ब बी, ठीक है। तो बी के यूजेस में पहले आपको समझा देता हूं, देखिए
ये जो वर्ब बी होती है इसका यूज हम करते हैं टू एक्सप्रेस द आइडेंटिटी एट्रीब्यूट और लोकेशन ऑफ द सब्जेक्ट। देखिए हम लोग जानते हैं कि जो वर्ब्स होती हैं उनका यूज हम डूइंग्स और हैपनिंग्स को एक्सप्रेस करने के लिए करते हैं। सपोज समवन डज समथिंग, देन वी नीड अ वर्ब टू एक्सप्रेस दैट डूइंग, और सपोज समथिंग हैपेंस टू समवन, देन वी नीड अ वर्ब टू एक्सप्रेस दैट हैपनिंग। सो वर्ब्स आर द बेसिकली वर्ब्स आर द वर्ड्स विच एक्सप्रेस डूइंग्स और हैपनिंग्स। डूइंग्स और हैपनिंग्स एक्सप्रेस करते हैं, उन वर्ड्स को हम वर्ब्स कहते हैं, ठीक है। बट दिस वर्ब बी डज नॉट एक्सप्रेस एनी डूइंग और एनी हैपनिंग, ये किसी डूइंग या हैपनिंग को एक्सप्रेस नहीं करती है। ये वर्ब एक्सप्रेस करती है आइडेंटिटी एट्रीब्यूट और लोकेशन ऑफ द सब्जेक्ट को, ठीक है। तो ये सब्जेक्ट के थ्रू हुए किसी डूइंग को या सब्जेक्ट के साथ हुए किसी हैपनिंग को एक्सप्रेस नहीं करती है। इट सिंपली एक्सप्रेसेस द आइडेंटिटी, इट सिंपली एक्सप्रेसेस द एट्रीब्यूट, इट सिंपली एक्सप्रेसेस द लोकेशन ऑफ इट्स सब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पे एक बात और ध्यान रखेंगे, द वर्ब इज अ लिंकिंग वर्ब, वो आप लोगों को पता होगा, और इसके बाद में लिखे गए वर्ड्स कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं, वो सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन होते हैं, ठीक। देखिए हमने यहाँ पे लिखा कमल इज अ पुलिसमैन, ओके। तो ये जो पुलिसमैन है ना, ये एक नाउन है, और ये नाउन क्या है, ये कमल को डिस्क्राइब कर रहा है, तो ये कमल की आइडेंटिटी है, ठीक है। तो ये जो वर्ब हमने यहाँ पे इज यूज किया है ना, ये इज वर्ब कमल के थ्रू ही किसी डूइंग को या कमल के साथ ही किसी हैपनिंग को एक्सप्रेस नहीं कर रही है, ये वर्ब कमल की आइडेंटिटी को एक्सप्रेस कर रही है। तो ये जो पुलिसमैन हमने यूज किया है दैट इज द आइडेंटिटी ऑफ कमल, तो ये वर्ब के थ्रू एक्सप्रेस किया जा रहा है आइडेंटिटी को, एंड द वर्ब इज बी, इज जो होती है बी की फॉर्म होती है। यहां पर हमने लिखा यू आर इंटेलिजेंट, नाउ इंटेलिजेंट इज अ क्वालिटी, इट इज नॉट आइडेंटिटी, इंटेलिजेंट इज अ क्वालिटी, हेंस वी कॉल इट एन एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट का मतलब आप फीचर मान सकते हैं, एट्रीब्यूट का मतलब आप फीचर मान लेंगे, एट्रीब्यूट का मतलब क्वालिटी, ठीक है। तो ये जो इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है ये यू की क्वालिटी को, उसके फीचर को, एट्रीब्यूट को डिस्क्राइब कर रहा है। तो यहाँ पे हम बी वर्ब की मदद से यू सब्जेक्ट के एट्रीब्यूट को डिस्क्राइब कर रहे हैं। फिर हमने लिखा पॉल्यूशन इज एवरीवेयर, सब जगह है पॉल्यूशन, घर में भी है, बाहर भी है, शहर में भी है, गाँव में भी है, ठीक है। तो ये जो एवरीवेयर हमने यूज किया है ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एवरीवन मस्ट नो एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है। तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है लोकेशन ऑफ द सब्जेक्ट पोल्यूशन, कि वेयर इज पोल्यूशन, पोल्यूशन कहाँ है, सब जगह है, ठीक है। तो हम जब अपने सब्जेक्ट की लोकेशन को, सब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को, सब्जेक्ट की आइडेंटिटीज को डिस्क्राइब करना चाहते हैं रादर देन द डूइंग और हैपनिंग्स, वी नीड द वर्ब बी, तो हम वहां पे वर्ब बी का यूज करते हैं, ये ध्यान रखना। हालांकि अब मैं एक छोटा सा आपको पॉइंट बता देता हूँ, उस पॉइंट का इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट्स को लेने देना नहीं है, लेकिन मुझे लगता है जब ये पॉइंट हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं तो वो आपके लिए एक बोनस हो जाएगा, जो अब मैं आपको बता रहा हूं, आप उसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि जब हम वर्ब बी के बाद में कोई एडजेक्टिव यूज करके सब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स को डिस्क्राइब करते हैं, तो इन्हीं सेंटेंसेस को लिखने का एक तरीका और भी हो सकता है कि हम वर्ब हैव यूज कर लें, मतलब हैव यूज कर लो या हैव की अदर फॉर्म्स यूज कर लो, डिपेंडिंग ऑन द टेंस एंड द नंबर ऑफ द सब्जेक्ट। तो हमने लिख दिया यू हैव, बट उस कंडीशन में जब हम वर्ब हैव यूज कर लेंगे तो वो जो एडजेक्टिव है हमें उसकी नाउन फॉर्म यूज करनी पड़ेगी। इंटेलिजेंट की नाउन फॉर्म होती है इंटेलिजेंस, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यू आर, ठीक है, इंटेलिजेंट को लिख सकते हैं यू हैव इंटेलिजेंस। ऐसा हम क्यों लिख लेते हैं समझ लेना, एक्चुअली हम ऐसा इसलिए लिख देते हैं क्योंकि जो इंटेलिजेंट है ना दैट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ स्टेट, ठीक है। तो ये स्टेट डिस्क्राइब कर रहा है, डिस्क्रिप्शन है तो ये एडजेक्टिव है। अच्छा, द नेम ऑफ दैट स्टेट इज इंटेलिजेंस, तो नेम ऑफ दैट स्टेट जो है वो इंटेलिजेंस है, तो इसीलिए हम उस एडजेक्टिव को नाउन से रिप्लेस कर सकते हैं। बट उस ऐसा करते समय हमें इस वर्ब आर को रिप्लेस करके उसकी जगह हैव लिखना पड़ता है। हैव जो होती है वर्ब मेंटल पजेशन और मतलब फिजिकल एक्सपीरियंसेस, एक्सपीरियंसेस मेंटल फिजिकल एक्सपीरियंसेस और पजेशंस के लिए यूज होती है, तो इसीलिए हैव लिख देते हैं। एक छोटी सी बात और समझ लें, अगर ये सेंटेंस ऐसे लिखा होता यू आर नॉट इंटेलिजेंट तो हम इसे कैसे लिख सकते थे, तो हम इसे लिख सकते थे यू डोंट हैव इंटेलिजेंस, ठीक है, या हम इसको सिंपली लिख सकते हैं यू लैक इंटेलिजेंस, लैक यू लैक इंटेलिजेंस, कि तुम में इंटेलिजेंस नहीं है। खैर ये बोनस था जो आपको ध्यान रखना है, वापस आते हैं वहीं पर। तो हमने यहाँ पे वर्ब जो बी है उसके यूज समझे कि वर्ब बी का यूज हम तब करते हैं जब हमें सब्जेक्ट की आइडेंटिटी को, सब्जेक्ट के एट्रीब्यूट को या सब्जेक्ट की लोकेशन और पोजिशन को डिस्क्राइब करना होता है, ठीक है। चलिए ये बातें ध्यान रखेंगे। दूसरा क्या ध्यान रखेंगे, द वर्ब बी कैंट बी यूज विदाउट अ कॉम्प्लीमेंट।
वर्ब बी का यूज हम विदाउट कॉम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। वजह क्या होती है आप समझ रहे होंगे, क्योंकि वर्ब बी का यूज हम करते ही इसलिए हैं क्योंकि हमें सब्जेक्ट के एट्रीब्यूट्स, उसकी आइडेंटिटीज, उसकी लोकेशन डिस्क्राइब करनी होती है। तो वो जो लोकेशन, एट्रीब्यूट और आइडेंटिटी होते हैं वो इसके कॉम्प्लीमेंट्स होते हैं। अगर आप कॉम्प्लीमेंट्स नहीं यूज कर रहे हैं तो आप सब्जेक्ट को लेकर क्या डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो फिर आपको वर्ब यूज नहीं करनी पड़ेगी। क्योंकि अगर आप बी वर्ब यूज कर रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है आप सब्जेक्ट की आइडेंटिटी को, उसके एट्रीब्यूट को या उसकी लोकेशन को डिस्क्राइब करना चाहते होंगे। लेकिन अगर आप आइडेंटिटी को, लोकेशन को, एट्रीब्यूट को डिस्क्राइब ही नहीं करना चाहते हैं, आपके पास में आइडेंटिटी, एट्रीब्यूट या लोकेशन है ही नहीं, तो आप वर्ब बी क्यों यूज करेंगे? ठीक है, तो ये छोटी सी बात आपको ध्यान रखनी है। द वर्ब बी कैन नॉट बी यूज विदाउट कॉम्प्लीमेंट्स, विदाउट कॉम्प्लीमेंट्स के हम उसे यूज नहीं कर सकते। जैसे एग्जाम्पल से समझें, हमने लिख दिया हिज फ्रेंड्स वर, हमने लिख दिया सम मिस्टेक्स आर, कि कुछ मिस्टेक्स हैं, उसके दोस्त थे। बट ये हम हिंदी में बोल दें वो अलग बात है, ठीक है। आप जैसे मेरी मदर टंग हिंदी है, अगर आपकी, मुझे लग रहा है ज्यादातर हिंदी ही होगी, लेकिन फिर भी अगर आपकी मान लो कोई अदर मदर टंग हो तो आप उसको उस तरीके से देख लेना, ठीक है। तो अगर हम लिख रहे हैं हिज फ्रेंड्स वर, देन इट वुड बी करेक्ट वाइल ट्रांसलेटिंग, ट्रांसलेट करते समय ये हो सकता है सही लगे हमें, बट एक्चुअली इट इज नॉट, ये सही है नहीं, क्योंकि जो वर्ब है ना ये लिंकिंग वर्ब है और इसको हम बिना कॉम्प्लीमेंट के यूज नहीं कर सकते, और इसको भी बिना कॉम्प्लीमेंट के यूज नहीं कर सकते। अब हम इन सेंटेंसेस को कैसे सही करें? तो सही करने का तरीका दो है, ठीक है, मतलब तरीके तीन है। एक तरीका तो ये कि आप इनको ऐसे ही छोड़ दो और इनको गलत मार्क कर दो कि दीज आर इनकरेक्ट सेंटेंस, ठीक है, इनकरेक्ट इनको रहने दो। दूसरा तरीका ये कि नहीं, आप इनको करेक्ट कर दो, आप इनको अभी इनकरेक्ट हैं, आप इनको करेक्ट कर लो। करेक्ट करने के लिए आपके पास दो ऑप्शन हैं। क्या दो ऑप्शन हैं? एक ऑप्शन है कि आप कोई एक लॉजिकल कॉम्प्लीमेंट यूज कर दो, जैसे हमने लिखा हिज फ्रेंड्स वर, कुछ भी लिख दो, हिज फ्रेंड्स वर अब्सेंट, हिज फ्रेंड्स वर इंटेलिजेंट, कुछ भी लिख दो, सम मिस्टेक्स आर कॉन्स्पिकुअस, सम मिस्टेक्स आर सिली, कुछ भी लिख दो। या फिर दूसरा ऑप्शन है कि इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट यूज कर लो, इट वॉज हिज फ्रेंड्स, देर आर सम मिस्टेक्स। तो यहां पे यूज आ गया इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट का, कि ऐसी कंडीशंस जहां पर हमारे पास वर्ब बी होती है बट वी डोंट हैव अ कॉम्प्लीमेंट, लेकिन हमारे पास कॉम्प्लीमेंट नहीं होता, तो वहां पर हम यूज करना शुरू कर देते हैं इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट को, ठीक है। अच्छा, अब एक इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट हो गया इट, एक इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट हो गया देयर। इसमें सीक्वेंस में हम पहले देयर यूज करेंगे क्योंकि देयर जो होता है वो कंपेटिवली इजी होता है, उसके यूजेस लेस कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, इट के यूजेस थोड़े से एडवांस्ड होते हैं, थोड़े से कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, कॉम्प्लेक्स होते हैं। देयर के यूजेस उतने ज्यादा एडवांस्ड या उतने ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते हैं, मतलब सिंपली होते हैं, फ्यूअर होते हैं, नंबर में कम होते हैं देयर के यूजेस, और थोड़ा सा कम कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, ठीक है, इजिली समझे जा सकते हैं। तो हम स्टार्टिंग करते हैं सबसे पहले देयर से, मतलब हमें ये समझना पड़ेगा कि इट और देयर की कंपेरेटिव स्टडी क्या है, मतलब इट वर्सेस देयर, व्हेन वी यूज इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट इट एंड देयर, देन वेयर लाइज द डिफरेंस, हाउ डू वी डिसाइड दैट वी हैव टू यूज इट और वी हैव टू यूज देयर। जैसे यहाँ पे हमने लिखा हिज फ्रेंड्स वर, तो दैट इज एन इनकरेक्ट सेंटेंस, तो हमने उसको सही किया, तो हमने इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट इट यूज किया, इट वॉज हिज फ्रेंड्स। लेकिन वो जो सेंटेंस लिखा सम मिस्टेक्स आर, वो भी इनकरेक्ट है, लेकिन जब हमने उसको सही किया तो हमने इट का यूज नहीं किया, देयर का यूज कर लिया, देयर आर सम मिस्टेक्स। तो हाउ डू बी डिफाइन इट, ये सब हम डिस्कस करेंगे, मतलब इट इज अ वी शैल डिस्कस ऑल दिस थिंग्स, ओके। आ जाइए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग सबसे पहले स्टार्ट करेंगे विद द यूजेस ऑफ देयर, यूजेस ऑफ देयर से स्टार्ट करेंगे। लॉजिक ये है कि देयर के यूजेस हमारे लिए ज्यादा फैमिलियर होते हैं, हम उनको ऑलरेडी पहले से यूज कर रहे होते हैं, और लेस कॉम्प्लिकेटेड होते हैं और कम होते हैं, मतलब उतने ज्यादा नहीं होते जितने इट के होते हैं। तो सबसे पहले मैं देयर के यूजेस आपको समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले आप समझें देयर को हम यूज क्यों करते हैं एज एन इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट। वी यूज देयर व्हेन द सब्जेक्ट इटसेल्फ इज द न्यू इंफॉर्मेशन, ठीक है। अभी हमने क्या पढ़ा? अभी हमने पढ़ा है कि सेंटेंस में जो प्रेडिकेट होता है वो न्यू इंफॉर्मेशन होती है जो हम अपने लिसनर के साथ में शेयर करना चाहते हैं। लेकिन 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 अगर कभी ऐसा हो जाए कि द सब्जेक्ट इज द न्यू इंफॉर्मेशन दैट वी वांट टू शेयर विद आवर लिसनर, कि हम हमारी न्यू इंफॉर्मेशन जो हम अपने लिसनर के साथ में शेयर करना चाहते हैं वो सब्जेक्ट ही हो, सब्जेक्ट का मतलब कोई नाउन या प्रोनाउन, तो आप क्या करोगे? तो आप देयर इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट यूज करोगे। मैं आपको एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझाता हूँ इसको, ऐसे समझें। देखिए, सपोज हमने लिखा अ मैन इज रेडी, ठीक है। अब हमने ये सेंटेंस लिख दिया मैन इज रेडी, तो इसमें हम जो डिस्क्राइब कर रहे हैं ना वो मैन नहीं है, हम डिस्क्राइब कर रहे हैं कि उसके स्टेट की वो रेडी है, कि वो मैन रेडी है। तो मतलब इसमें जो हमारा प्रेडिकेट है उस प्रेडिकेट में जो हमने कॉम्प्लीमेंट रेडी यूज किया ना, ये वो न्यू इन्फॉर्मेशन है जो अपने लिसनर के साथ में शेयर कर रहे हैं।
ठीक है। अब देखो इसमें होता क्या है, ये मैन जो है ये सब्जेक्ट है, एक मिनट, मैन जो है ये सब्जेक्ट है, इज जो है ये लिंकिंग वर्ब है, रेडी जो है ये एडजेक्टिव है जो स्टेट शो कर रहा है मैन की, कॉम्प्लीमेंट है, एट्रीब्यूट डिस्क्राइब कर रहा है, ठीक है। तो ये सेंटेंस सही है। अब मान लीजिए इसमें कुछ ऐसा हो कि हमें ये बताना ही नहीं है कि मैन रेडी है या नहीं है, हमें बस ये बताना है कि हाँ भाई मैन है, बस बात खत्म, ठीक है। अब हमें उसके किसी एट्रीब्यूट को डिस्क्राइब नहीं करना, मान लीजिए हमें इतना ही कहना है, अ मैन इज, मतलब वी आर नॉट रेफरिंग टू आइडेंटिटी ऑफ द मैन, वी आर नॉट रेफरिंग टू द एट्रीब्यूट ऑफ द मैन, वी आर नॉट रेफरिंग टू द लोकेशन और पोजिशन ऑफ द मैन, हमें केवल मैन के एग्जिस्टेंस को रेफर करना है कि हाँ भाई है या था या होगा। क्या आइडेंटिटी होगी नहीं डिस्कस करना, क्या एट्रीब्यूट्स होंगे नहीं डिस्कस करना, कहाँ होगा किस पोजीशन लोकेशन में होगा नहीं डिस्कस करना, ठीक है। तो अब ये हमें समझना है कि अगर मान लीजिए हमें केवल एग्जिस्टेंस ऑफ द नाउन या प्रोनाउन को ही रेफर करना हो, हमें केवल उसके एग्जिस्टेंस को रेफर करना है कि भाई हाँ है, ठीक है, उसकी एट्रीब्यूट्स को, उसकी लोकेशंस को, उसकी आइडेंटिटीज को नहीं डिस्क्राइब करना, तो आप क्या करोगे, आप नहीं यूज करोगे भाई, आप कॉम्प्लीमेंट जो एट्रीब्यूट था जो आइडेंटिटी के लिए यूज कर रहे थे हम, कॉम्प्लीमेंट वो था जो लोकेशन के लिए एट्रीब्यूट था, आप नहीं यूज करोगे, बिकॉज यू डोंट हैव टू डिस्क्राइब दैट, आपको वो डिस्क्राइब नहीं करना, आप सिंपली यूज नहीं करोगे। तो हम उस सेंटेंस को यहीं पे कंप्लीट कर देंगे, अ मैन इज एंड इट गोज रॉन्ग, ये गलत हो गया। दो वजह से गलत हो गया, मैं आपको बताता हूं, एक तो ये ग्रामेटिकली गलत है, जो हमने ग्रामर के यूजेस पढ़े होते हैं उसके हिसाब से जो इज है वो लिंकिंग वर्ब है, वी कांट यूज इट विदाउट अ कॉम्प्लीमेंट, जो कि अभी हमने लास्ट स्लाइड में डिस्कस किया था, हम इसे बिना कॉम्प्लीमेंट के यूज नहीं कर सकते, एक तो मिस्टेक यही हो गई, ठीक है। अच्छा दूसरी मिस्टेक इसमें क्या हो गई, दूसरी मिस्टेक ये हो गई कि जब आप इंट्रोड्यूस कर रहे हो एग्जिस्टेंस को, आपको मैन मैन को नहीं आपको इंट्रोड्यूस करना है, मतलब आपकी जो न्यू इन्फॉर्मेशन आप सब्जेक्ट अपने लिसनर के साथ में शेयर करना चाहते हो वो मैन नहीं है, वो उसका एग्जिस्टेंस है, मतलब हम जो अपने लिसनर को बताना चाह रहे हैं या समझाना चाह रहे हैं वो मैन का एग्जिस्टेंस है, मैन नहीं है। तो अगर मैन का एग्जिस्टेंस है जिसे हम डिस्क्राइब करना चाह रहे हैं, तो हमें हाईलाइट भी मैन को, उस एग्जिस्टेंस को करना चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो एग्जिस्टेंस को डिस्क्राइब करने के लिए हमने वर्ब लिखी है, लिंकिंग वर्ब है, बिना कॉम्प्लीमेंट के गलत हो जाएगी। तो अब ऐसी कंडीशन में हमें देयर लिखना पड़ेगा, और हम लिख देंगे यहाँ पे देयर इज अ मैन। तो अब ये जो मैन है ना, इसको देखो हमने क्या करा, सेंटेंस के प्रेडिकेट में शिफ्ट कर दिया। देखो इस सेंटेंस में है क्या, देयर हो गया सब्जेक्ट, इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट है, ध्यान रखना, इज अ मैन हो गया प्रेडिकेट। तो हमने क्या कहा कि जब हमारा जो सब्जेक्ट होता है वही वो न्यू इंफॉर्मेशन हो जो हम अपने लिसनर के साथ में शेयर करना चाहते हैं, तो हम देयर का यूज कर लेते हैं। अब हमें यहां पे मैन के एट्रीब्यूट्स को, ठीक है, मैन की क्वालिटीज को, मैन की लोकेशन पोजीशन को डिस्क्राइब नहीं करना था, हमें मैन को ही बताना था, मैन के बारे में ही बताना था, एंड मैन वॉज द न्यू इन्फॉर्मेशन दैट वी वॉन्ट टू शेयर विद अ लिसनर। तो हमने यहाँ पे क्या किया, देयर इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट यूज करके और मैन को प्रेडिकेट में शिफ्ट कर दिया। प्रेडिकेट में शिफ्ट कर देने से मैन जो होगा वो नई इन्फॉर्मेशन हो जाएगा, इसका मतलब हम मैन के एट्रीब्यूट्स को नहीं केवल मैन के बारे में ही बताना चाह रहे थे, क्योंकि ये सेंटेंस ग्रामेटिकली पॉसिबल नहीं था, तो इसीलिए हमने सेंटेंस को लिख दिया देयर इज अ मैन। ये कहानी है, ठीक है। एक और एग्जांपल से समझा देता हूं, सम मिस्टेक्स वर, अब जैसे हमने ये सेंटेंस लिखा सम मिस्टेक्स वर, और हमें पता है ये सेंटेंस ग्रामेटिकली गलत है, ग्रामेटिकली इसलिए गलत है क्योंकि जो हमने वर वर्ब यूज किया ना, लिंकिंग वर्ब है, एंड वी कांट यूज विदाउट कॉम्प्लीमेंट, हम इसको बिना कॉम्प्लीमेंट के यूज नहीं कर सकते। तो अब आप क्या करोगे, इसके बाद में कोई कॉम्प्लीमेंट लिखो, ठीक है। अच्छा कॉम्प्लीमेंट जो हम लिखेंगे वो क्या करेगा, वो मिस्टेक्स की आइडेंटिटी को या मिस्टेक्स के एट्रीब्यूट्स को या मिस्टेक्स की लोकेशन और पोजीशन को डिस्क्राइब करेगा। लेकिन अगर हमें ऐसा करना ही ना हो, मतलब हमें मिस्टेक्स की आइडेंटिटी तो खैर उनकी होती भी नहीं है कोई, अगर हमें मिस्टेक्स की आइडेंटिटी को नहीं रेफर करना, हमें मिस्टेक्स के एट्रीब्यूट को नहीं रेफर करना, हमें मिस्टेक्स के लोकेशन पोजिशन को नहीं रेफर करना, बस हमें ये बताना है कि मिस्टेक्स हैं, मतलब हमारी जो न्यू इन्फॉर्मेशन हम अपने लिसनर को देना चाहते हैं वो मिस्टेक्स ही है, मिस्टेक्स के एट्रीब्यूट्स या मिस्टेक्स की आइडेंटिटी या मिस्टेक्स की लोकेशन नहीं है। तो अब आप सेंटेंस को ऐसे लिखोगे सम मिस्टेक्स वर, लेकिन ये सेंटेंस तो गलत है, दो वजह से गलत है। एक इसकी गलत होने की वजह है ग्रामर, कि भाई जो वर आपने यूज किया वो लिंकिंग वर्ब है, दैट कांट बी यूज विदाउट अ कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, अगर आपकी न्यू इन्फॉर्मेशन मिस्टेक्स ही है, मतलब आपकी न्यू इन्फॉर्मेशन अगर मिस्टेक्स ही, आप मिस्टेक्स के बारे में ही बता रहे हो कि मिस्टेक्स हैं यही बताना चाह रहे हो, तो मिस्टेक्स को आप कॉम्प्लीमेंट में, प्रेडिकेट में शिफ्ट करो, क्योंकि प्रेडिकेट कैरीज द न्यू इन्फॉर्मेशन, प्रेडिकेट न्यू इन्फॉर्मेशन कैरी करता है, तो आप इसको प्रेडिकेट में शिफ्ट करो। अच्छा प्रेडिकेट में शिफ्ट कर दोगे सब्जेक्ट कैसे बनाओगे, ये भी तो दिक्कत है। तो ये जो सेंटेंस है ना, इसको सही करने का फिर वही तरीका है, देयर वर सम मिस्टेक्स। अच्छा
अच्छा, देयर वर सम मिस्टेक्स लिख देने से देखिए क्या होगा, देयर वर सम मिस्टेक्स लिख देने से ये होगा कि देयर को हम इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट यूज कर लेंगे, एज एन इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट सेंटेंस का बना देंगे, वर सम मिस्टेक्स प्रेडिकेट बना देंगे। ठीक है, तो जैसा कि हमें पता है कि प्रेडिकेट इज द न्यू इन्फॉर्मेशन दैट वी वॉन्ट टू शेयर विद द लिसनर, तो हमने मिस्टेक्स को प्रेडिकेट पार्ट में शिफ्ट कर दिया, ये लो सही हो गया। तो जब हम अपने सब्जेक्ट के बारे में ही बताना होता है, जब सब्जेक्ट ही हमारी न्यू इन्फॉर्मेशन होता है, तो सब्जेक्ट को हमें शिफ्ट करना पड़ता है प्रेडिकेट में, क्योंकि प्रेडिकेट कैरीज द न्यू इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो जब हम सब्जेक्ट को प्रेडिकेट में शिफ्ट कर देते हैं, तो वहां पर सब्जेक्ट की जगह पर इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट देयर आ जाता है। तो ये मैंने इतनी देर में आपको समझाया व्हाई डू वी यूज देयर, ठीक है, कि व्हाट पर्पस डज देयर सर्व इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये ध्यान रखना है, देयर का यूज हम करते हैं तब किसी सेंटेंस में जब हमारी न्यू इंफॉर्मेशन जो है वो सब्जेक्ट ही खुद हो, तो हमें सब्जेक्ट को शिफ्ट करना पड़ता है प्रेडिकेट में। ठीक है, तो सब्जेक्ट को रियल सब्जेक्ट को शिफ्ट करने के लिए प्रेडिकेट में हम उसकी जगह पे इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट देयर लिख देते हैं। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि देयर का यूज बेसिकली हम तब करते हैं जब हमें सब्जेक्ट के एग्जिस्टेंस को रेफर करना हो, ना कि उसकी आइडेंटिटी एट्रीब्यूट या फिर उसकी लोकेशन पोजिशन को। ठीक है, अब यहाँ पे देखो कुछ एग्जाम्पल्स, आप इनकी मदद से बातें समझें। जैसे हमने लिखा सम बॉयज आर इन द पार्क एंड देयर आर सम बॉयज इन द पार्क, बोथ दी सेंटेंसेज आर करेक्ट, ये दोनों ही सेंटेंसेस करेक्ट है, इनमें कोई मिस्टेक्स नहीं है। ठीक है, बट हमें ये समझना है कि व्हाट डिफरेंस डू दे कन्वे, कि इनमें क्या कोई डिफरेंस भी है कि एक ही बात है, सम बॉयज आर इन द पार्क, देयर आर सम बॉयज इन द पार्क, ये समझना। अब देखिए, मान लीजिए कि एक ग्रुप ऑफ बॉयज है, ठीक है, और इसमें से कुछ बॉयज ऐसे हैं, मतलब अ पार्ट ऑफ दिस बॉयज इज इन द पार्क, इनमें से कुछ पार्क में है और बाकी कहीं और होंगे। ठीक, तो अगर हमें ये बात बतानी है तो हमें इसको ऐसे लिखना पड़ेगा सम बॉयज आर इन द पार्क। क्यों? क्योंकि इसमें जो हमारी न्यू इंफॉर्मेशन है ना, वो ये है आर इन द पार्क, कि पार्क में है। कौन पार्क में है? सम बॉयज, सम का मतलब जो टोटल था, टोटल में से कुछ। तो यहाँ पे जो न्यू इंफॉर्मेशन है ना, वो है लोकेशन ऑफ द बॉयज, कि बॉयज आर इन द पार्क। तो हम जो बताना चाह रहे हैं अपने लिसनर को वो ये कि आर इन द पार्क, पार्क में है, तो दैट इज द न्यू इंफॉर्मेशन। लेकिन अगर मान लो हमें बॉयज के बारे में बताना हो, ठीक है, हमें नहीं पहले से पता कि हमारे पास कितने बॉयज हैं कितने नहीं है, मतलब हमारे पास कोई पहले से इंफॉर्मेशन नहीं है, द सब्जेक्ट इज नॉट नोन टू अस, सब्जेक्ट हमें पहले से नहीं पता है, बस हम बताना चाह रहे हैं पार्क में बॉयज हैं। ठीक है, कौन से बॉयज हैं, कैसे बॉयज हैं, उनके बारे में हमें पहले से नहीं पता, तो वो बॉयज हमारी न्यू इन्फॉर्मेशन हो गए जो हम अपने लिसनर को शेयर करना चाहते हैं। अब हमें जरूरत पड़ेगी देयर की, तो हम ऐसे लिखेंगे देयर आर सम बॉयज इन द पार्क। तो जब हम देयर आर सम बॉयज इन द पार्क लिखेंगे ना, तो न्यू इन्फॉर्मेशन ये होगी। अच्छा, जब हम लिखेंगे सम बॉयज आर इन द पार्क, तो न्यू इन्फॉर्मेशन ये होगी। अच्छा, जब ये न्यू इन्फॉर्मेशन होगी आर इन द पार्क, तो इस कंडीशन में जो सम बॉयज है ना, ये डेफिनेट भी हो सकते हैं, कि हमें पहले से पता हो कि हमारे जो टोटल बॉयज हैं उनका एक पार्ट जो है वो बॉयज पार्क में है, बाकी एक पार्ट कहीं और होगा। ठीक है, लेकिन जब हम ऐसे लिखेंगे देयर आर सम बॉयज इन द पार्क, तो हमेशा मान के चलना है कि जो सम बॉयज है ना, ये इनडेफिनेट है, क्योंकि ये न्यू इन्फॉर्मेशन है, तो इनके बारे में लिसनर को पहले से नहीं पता होगा। ठीक, फिर हमने लिखा मैन इज वेटिंग आउटसाइड, एक मैन बाहर इंतजार कर रहा है, तो जो न्यू इन्फॉर्मेशन हम कन्वे कर रहे हैं ना, वो ये है कि इज वेटिंग आउटसाइड, बाहर इंतजार कर रहा है, मतलब वी आर स्ट्रेसिंग दिस इन्फॉर्मेशन, कि वो इंतजार कर रहा है। ठीक है, गाना नहीं गा रहा है, मतलब मूवी नहीं देख रहा है और डांस नहीं कर रहा है, वेट कर रहा है, तो ये न्यू इन्फॉर्मेशन है। लेकिन अगर मान लो हम इसको नहीं और इस मैन को ही स्ट्रेस करना चाहें कि बाहर एक आदमी है, ठीक है, तो उस कंडीशन में हमें देयर यूज करना पड़ेगा, देयर इज अ मैन वेटिंग आउटसाइड। तो ध्यान ये रखना है कि व्हेन वी वांट टू स्ट्रेस द सब्जेक्ट इटसेल्फ, जब हमें सब्जेक्ट को ही स्ट्रेस करना होता है और सब्जेक्ट ही हमारी न्यू इन्फॉर्मेशन होती है जो हम अपने लिसनर के साथ में डिस्कस या शेयर करना चाहते हैं, तो हमें वहां पे इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट यूज करना पड़ता है देयर। ठीक है, सो अ मैन इज वेटिंग आउटसाइड भी सही है, देयर इज अ मैन वेटिंग आउटसाइड भी सही है, बट इनके स्ट्रेसेस डिफरेंट हैं। यहाँ पे जो न्यू इन्फॉर्मेशन है वो ये है, यहाँ पर जो न्यू इन्फॉर्मेशन है वो ये है। ठीक है, उसी तरीके से जैसे हमने लिखा Nobody is interested in this scheme. तो यहाँ पे जो हम स्ट्रेस या हाईलाइट या न्यू इन्फॉर्मेशन जो अपने लिसनर को बताना चाहते हैं वो ये है कि इज इंटरेस्टेड इन स्कीम, ये स्कीम में इंटरेस्टेड नहीं है कोई भी। ठीक है, तो अगर हम ये बताना चाहते हैं कि इंटरेस्टेड नहीं है, तो हम सेंटेंस को ऐसे लिखेंगे। लेकिन अगर हम इस बात को स्ट्रेस करना चाहते हैं कि कोई भी नहीं, ठीक है, तो हम इसको ऐसे लिखेंगे देर इज नोबडी इंटरेस्टेड इन दिस स्कीम। तो ये न्यू इन्फॉर्मेशन है जो हम अपने लिसनर को बताना चाहते हैं, उसको समझाना चाहते हैं कि कहानी ये है। अगर ये नहीं, हम इस बात को स्ट्रेस करना चाहते हैं, तो हम ऐसे लिख देंगे। तो कुछ कॉन्टेक्स्ट में आप देखोगे कि हम एक ही सेंटेंस को देयर के साथ भी लिख सकते हैं, देयर के बगैर भी लिख सकते हैं। तो वहां पे ध्यान रखना, वहां पे हमेशा डिफरेंस जो होता है ना, वो इस बात का हो जाता है कि विच इज द न्यू इन्फॉर्मेशन दैट यू वॉन्ट टू शेयर विद योर लिसनर, द न्यू इन्फॉर्मेशन इज द सब्जेक्ट और द न्यू इन्फॉर्मेशन इज द प्रेडिकेट। ठीक है, तो अगर सब्जेक्ट है तो सब्जेक्ट को फिर प्रेडिकेट में शिफ्ट करना पड़ जाता है।
अब जैसे हमने लिखा नो मैन इज परफेक्ट एंड देर इज नो पर्सन परफेक्ट, इसमें भी यही डिफरेंस है। यहाँ पे हम इस बात को स्ट्रेस करना चाह रहे हैं कि परफेक्ट नहीं होता, इसमें हम इस बात को स्ट्रेस करना चाह रहे हैं कि कोई भी नहीं होता परफेक्ट। फिर समथिंग इज मिसिंग टूडे एंड देर इज समथिंग मिसिंग टूडे, ये आप अपने आप समझ लेना, इसमें भी वही है। मान लीजिए हम खाना खा रहे हैं और हमें लगा कि उस समय मतलब सम डिश इज मिसिंग, कोई चीज मिसिंग है, मान लीजिए सैलड नहीं है या लेमन नहीं है, ठीक है, या फिर कर्ड नहीं है, मतलब कोई भी चीज आप, या पिकल नहीं है, अचार नहीं है उस दिन, कोई भी चीज है जो मिसिंग है। तो अगर हम ये बताना चाह रहे हैं कि समथिंग इज नॉट देयर, कि कोई चीज वहां पे है नहीं, मतलब स्टेट उसकी लोकेशन बताना चाहते हैं, तो हम लिखेंगे ऐसे समथिंग इज मिसिंग, ठीक है। लेकिन अगर हम उस थिंग को ही हाईलाइट करना चाहते हैं जो मिसिंग है, तो फिर हम लिखेंगे ऐसे देयर इज समथिंग मिसिंग टुडे। तो मतलब समझ रहे हैं ना आप, देयर इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट हम तब यूज करते हैं जब हम स्ट्रेस कर रहे हो सब्जेक्ट को ही, तो हमें सब्जेक्ट को प्रेडिकेट में शिफ्ट करना पड़ता है, ठीक है, या जब हमारी नई इंफॉर्मेशन सब्जेक्ट ही हो तो भी हमें उसको प्रेडिकेट में ही शिफ्ट करना पड़ता है। खैर ये थे बेसिक्स, अब मैं इनके यूजर्स आपको समझाता हूँ। देखिए देयर के कुछ यूजर्स, ये जो देयर हम नाउन यूज करते हैं ना, जब भी हम इसको एज अ डमी सब्जेक्ट, एज एन इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट यूज करते हैं, तो इसके साथ में जो नाउन्स होते हैं, ठीक है, जिनको हम वर्ब के बाद में लिखते हैं, वो इनडेफिनिट या जनरल होते हैं, तो उनके साथ में हम डेफिनेट आर्टिकल्स या डेफिनेट डिटरमिनर्स का यूज नहीं कर सकते। एक बात ये ध्यान रखनी है, नाउन्स यूज्ड विद द डमी सब्जेक्ट देयर टेक इनडेफिनिट और नो आर्टिकल्स और इनडेफिनिट डिटरमिनर्स और आर इनडेफिनिट प्रोनाउंस। जब हम देयर को इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट बना के किसी सेंटेंस में यूज करते हैं, तो वर्ब के बाद में लिखे गए जो नाउन्स होते हैं उनकी अपनी आइडेंटिटी इनडेफिनिट या जनरल की होती है, वो स्पेसिफिक या डेफिनेट नहीं हो सकते। सिंपल लॉजिक है, आपको पता है कि जब हमें अपने सब्जेक्ट के बारे में, मतलब जब सब्जेक्ट इज द न्यू इंफॉर्मेशन, जब हमारा सब्जेक्ट न्यू इंफॉर्मेशन होता है तो ही हम देयर का यूज करते हैं। तो अगर हमारा सब्जेक्ट न्यू इंफॉर्मेशन है तो ऑब्वियस ही बात है कि वो पहले से डिफाइंड या स्पेसिफिक तो होगा नहीं हमारे लिसनर को, तो जब हम उसके साथ में कोई डिटर्मिनर यूज करेंगे तो वो डिटर्मिनर्स हमारे वो डिटर्मिनर्स होंगे जो इंडेफिनिट या जनरल नाउन्स के साथ यूज किए जाते हैं। अब देखिए ये सबको पता है, आर्टिकल्स वगैरह में पढ़ा होता है कि जो नाउन्स इंडेफिनिट या जनरल होते हैं, ठीक है, उन नाउन्स के साथ में या तो कोई आर्टिकल नहीं यूज होता है अगर वो अनकाउंटेबल या प्लुरल हो तो, और अगर वो काउंटेबल होते हैं सिंगुलर होते हैं तो उनके साथ में ए एन आर्टिकल यूज होते हैं, या फिर जो इंडेफिनिट नाउन्स होते हैं उनके साथ में सम है, एनी है, अ फ्यू वगैरह है, उनका यूज होता है, ठीक। तो इसको ऐसे में एक दो एग्जांपल से एक क्लियर भी कर देता हूं, आप समझें। देयर इज अ कार अक्रॉस द रोड, जैसे हमने लिखा, या हमने लिखा देयर आर सम कार्स अक्रॉस द रोड, तो ये ध्यान देना है कि जो भी नाउन्स हम देयर इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट के साथ में लिखते हैं उनकी आइडेंटिटी इनडेफिनिट जनरल होती है, इसीलिए हम उनके साथ में द आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते, या जो पजेसिव केसेस होते हैं वो भी डेफिनेट के लिए ही होते हैं, उनका भी यूज नहीं कर सकते, ठीक है। अच्छा उसके बाद में दूसरा ध्यान रखना, व्हेन दे आर यूज्ड एज अ सब्जेक्ट द नंबर ऑफ द वर्ब डिपेंड्स ऑन द नाउन, ये एक पेपर में आने वाला क्वेश्चन है, ये भी हालांकि आने वाला है कि अगर मान लीजिए हमने दे आर इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट यूज कर रखा है तो जो वर्ब के बाद में लिखा गया नाउन है उसके साथ आप डिटर्मिनर कैसे लिखेंगे, तो अगर वो नाउन प्लुरल है, ठीक है, या अनकाउंटेबल है, तो आप उसके साथ में द आर्टिकल नहीं यूज करेंगे, उसको बिना आर्टिकल के ही लिखेंगे, ठीक है। अच्छा अगर वो नाउन सिंगुलर है, काउंटेबल है, तो आप उसके साथ में एन आर्टिकल यूज करेंगे। जैसे मैं एग्जांपल से बता देता हूँ, देयर इज अ मिस्टेक इन दिस पोएम, ठीक है, देयर आर सम मिस्टेक्स इन दिस पोएम, लेकिन हम देयर आर द मिस्टेक इन दिस पोएम नहीं लिख सकते। मतलब अगर हम ऐसे लिखना चाहें देयर इज द मिस्टेक इन दिस पोएम, तो ये गलत हो जाएगा। क्योंकि अगर हम देयर इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब जो हमने वर्ब के बाद में नाउन या प्रोनाउन लिखा ना, वो हमारी न्यू इन्फॉर्मेशन है जो हम अपने लिसनर के साथ में शेयर करना चाहते हैं, जो उसे पहले से नहीं पता होगी। अगर उसे पहले से पता ही नहीं होगी तो वो डेफिनेट नहीं हो सकते, डेफिनेट नहीं हो सकते तो उसके साथ में द आर्टिकल नहीं आ सकता, तो ये द गलत है, ए लिख दो, देयर इज अ मिस्टेक इन दिस पॉइंट। तो एक तो ये ध्यान रखना है हमेशा, ठीक है। दूसरा क्या ध्यान रखना है कि जब हम देयर का यूज कर लेते हैं एज एन इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट, तो एक्चुअल में जो वर्ब हम यूज करते हैं वो देयर के अकॉर्डिंग नहीं यूज करते, वो हम यूज करते हैं उस नाउन के अकॉर्डिंग जो वर्ब के बाद में लिखा होता है। जैसे मैं एग्जाम्पल से समझा देता हूँ, देयर वॉज अ नंबर ऑफ मिस्टेक्स इन इट, ठीक है, जैसे हमने ये लिख दिया,
या सपोज एक और लिख देता हूं, देयर आर सम नेवर सीन बिफोर एक्साइटमेंट ऑन हिज फेस। अब जैसे हमने ये दो एग्जाम्पल्स लिखे, इन्हें समझे। जैसे हमने एक एग्जाम्पल लिखा, देयर वॉज अ नंबर ऑफ मिस्टेक्स इन इट एंड देयर आर सम नेवर सीन बिफोर एक्साइटमेंट ऑन हिज फेस, कि उसके चेहरे पे कभी मतलब कभी पहले नहीं देखा गया ऐसा ऐसा टाइप का एक्साइटमेंट था। तो यहाँ पे ध्यान क्या रखना, ये जो हमने वर्ब आर लिखी है और ये जो वर्ब वॉज लिखी है, ये वर्ब हम देयर के अकॉर्डिंग नहीं लिख रहे हैं, ठीक है। देयर इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट है, रियल सब्जेक्ट हमें पता है कि वही है जो हमने प्रेडिकेट में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि वो हमारी न्यू इन्फॉर्मेशन थी इसीलिए हमने उसको प्रेडिकेट में शिफ्ट कर दिया, अदरवाइज सब्जेक्ट हमारा वही है, ठीक है। तो ये जो अ नंबर ऑफ मिस्टेक्स है ना, इसके अकॉर्डिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी, तो प्लूरल आ जाएगी वर्ब, ठीक है। और सम नेवर सीन बिफोर एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट के अकॉर्डिंग वर्ब लिखनी पड़ेगी, तो आ जाएगी इज। तो ये दो पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे कि देयर का जब हम यूज करते हैं एज एन इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट, तो वर्ब के बाद में लिखे गए नाउन्स के साथ में आप डेफिनेट आर्टिकल ना यूज करें, ठीक है, डेफिनेट डिटरमिनर्स ना यूज करें। और जब हम देयर का यूज करते हैं एज एन इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट, तो जो वर्ब के बाद में लिखा गया नाउन होता है उस नाउन के अकॉर्डिंग ही वर्ब का यूज करें, क्योंकि रियल सब्जेक्ट वही होता है, स्ट्रेस करने के लिए या वो न्यू इन्फॉर्मेशन होती है, इस वजह से हमने उसको प्रेडिकेट में शिफ्ट कर दिया होता है, ठीक है। सेकेंड यूज देखें, वेन वी यूज देयर एज अ सब्जेक्ट इन अ सेंटेंस, देयर इज ऑल्सो यूज इन द क्वेश्चन टैग। ये इंपॉर्टेंट है कि जब हम देयर को किसी सेंटेंस में यूज करते हैं और अगर उस स्टेटमेंट के लिए हमें क्वेश्चन टैग यूज करना पड़ेगा, तो क्वेश्चन टैग में भी सब्जेक्ट फिर देयर ही यूज होगा, ठीक है। जैसे देखिए, देयर आर 29 स्टेट्स इन इंडिया। अब सपोज हमने ये लिख दिया, देयर आर 29 स्टेट्स इन इंडिया, और इसका क्वेश्चन टैग लिख दिया आरंट देयर, आरंट दे, ठीक है, दे हमने स्टेट्स के अकॉर्डिंग लिख दिया, ठीक है। तो 29 स्टेट्स जो नाउन है वो प्लूरल है, तो उसके अकॉर्डिंग अगर आप लिखोगे तो दे ही लिखना पड़ेगा। लेकिन ध्यान देना, ये जो सेंटेंस जिसके लिए आप ये प्रेडिकेट वो क्वेश्चन टैग यूज कर रहे हो, उसका सब्जेक्ट देयर है और आर 29 स्टेट्स इन इंडिया प्रेडिकेट है। तो सब्जेक्ट जब देयर को यूज कर रखा है, तो अगर उसके लिए क्वेश्चन टैग यूज करोगे तो उसमें भी देयर ही यूज करना, आरंट देयर। सो देयर आर 29 स्टेट्स इन इंडिया, आरंट देयर। तो अगर हम देयर को एज एन इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट किसी सेंटेंस में यूज करें, ठीक है, तो उस सेंटेंस के लिए अगर हमें क्वेश्चन टैग यूज करना पड़ेगा, तो उस क्वेश्चन टैग में भी सब्जेक्ट देयर को ही यूज करना, ना कि उस नाउन या प्रोनाउन को जो वर्ब के बाद लिखा होता है, ठीक है। सेकेंड में आ जाते हैं, देयर कैन ऑल्सो बी यूज विद सम अदर वर्ब्स ऑफ स्टेट एंड रिजल्ट सच एज लिव, लाइव, अपियर, एग्जिस्ट, फॉलो, रिमेन। अब देखिए, ये जो कुछ वर्ब्स मैंने यहाँ पे मेंशन किए ना, जैसे लिव है, लाइव है, अपियर है, एग्जिस्ट है, फॉलो है, रिमेन है, ठीक है, ये जो वर्ब्स होती हैं, ये भी एक तरीके से एग्जिस्टेंस को ही एक्सप्रेस करती हैं। मतलब ये भी किसी एट्रीब्यूट को या किसी लोकेशन पोजिशन को या फिर किसी आइडेंटिटी को एक्सप्रेस नहीं करती हैं, ये एग्जिस्टेंस को सिंपली एक्सप्रेस करती हैं। जैसे बी वर्ब जो होती है ना, वो एग्जिस्टेंस की वर्ब होती है, इज एम आर वॉज वर्ब, उसी तरीके से ये वर्ब भी एग्जिस्टेंस को रेफर करते हैं। तो इनका भी यूज मतलब देयर के साथ में किया जा सकता है। जैसे एग्जाम्पल से मैं समझा दूं, देयर फॉलोड सम अनफॉर्चुनेट इवेंट्स। मान लीजिए किसी ने कुछ ऐसा किया कि उसके बाद में फिर खराब घटनाएं होने लग गई, जैसे हॉरर मूवीज वगैरह में नहीं होता कि किसी ने किसी को मार डाला फिर उसके बाद में वो उसकी आत्मा बदला लेने आ गई, तो लाइक दैट। सो देयर फॉलोड सम अनफॉर्चुनेट इवेंट्स, कि उसके बाद में फिर कुछ अनफॉर्चुनेट इवेंट्स हुए। तो ये जो देयर देखो ना, ये इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट है। इसको हमने क्यों यूज किया यहाँ पर, इसलिए हमने यूज किया क्योंकि ये जो सम अनफॉर्चुनेट इवेंट्स है ना, ये हमारी न्यू इन्फॉर्मेशन है जो हम अपने लिसनर को देना चाहते हैं, ठीक है, इसलिए हमने उसको प्रेडिकेट में शिफ्ट कर दिया। बाकियों के साथ में यूज कर सकते हैं, देयर रिमेन्स समथिंग टू डिस्कस, अनसॉल्व, ठीक है,
तो जैसे मान लीजिए समथिंग है, अगर हमें इसे हाईलाइट करना है तो हम इसको प्रेडिकेट में शिफ्ट कर देंगे। तो कुल मिला के ये है कि हम देयर इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट का यूज बी के अलावा कुछ और ऐसी वर्ब्स के साथ में कर सकते हैं जो स्टेट्स को या रिजल्ट्स को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, ये वर्ब्स जैसे लिव है, देयर लिव्ड अ मैन इन दैट कंट्री, उस शहर में एक आदमी रहा करता था, तो वी आर रेफरिंग टू द मैन। ठीक है, तो मैन को रेफर कर रहे हैं तो हम मैन को सब्जेक्ट नहीं बना सकते, उसको प्रेडिकेट में ले जाना पड़ेगा। प्रेडिकेट में ले जाओगे मैन को तो उसके लिए फिर इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट देयर लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो देयर का यूज हम कुछ और वर्ब्स के साथ में भी कर सकते हैं जो यहाँ पे मैंने मेंशन कर रखे हैं। इसके बाद में देखें, अभी जो देयर के अभी तक के हमने यूजर डिस्कस किया ना एज एन इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट, ये तो ठीक है, लेकिन अब एक छोटी सी बात और ध्यान रखें कि देयर इज ऑल्सो एन एडवर्ब ऑफ प्लेस, देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस भी होता है। ठीक है, देखिए जब देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, जब ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट नहीं होता है, ठीक है, तब क्या होता है, इसका मतलब होता है एट दैट पॉइंट, ये इसका मतलब होता है। और इसका यूज हम करते हैं पोजिशन लोकेशन को डिस्क्राइब करने के लिए किसी नाउन या प्रोनाउन के। तो देयर इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट भी होता है। अच्छा, जब देयर इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट भी, मतलब देयर इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट भी होता है, देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस भी होता है, जब ये एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है तो हम इसके साथ में डेफिनेट आइडेंटिटी के नाउन्स को भी यूज कर सकते हैं। देखो मैं समझाता हूं, सपोज हमने एक एग्जाम्पल लिखा, द डॉग इज देयर, जैसे हमने लिखा द डॉग इज देयर। दूसरा हमने लिखा योर फोन इज देयर, हियर भी चाहो तो आप लिख सकते हो, ऐसे योर फोन इज देयर, द डॉग इज देयर। अब देखिए जो देयर हमने यूज किया ना, ये देयर हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है जो कि लोकेशन ऑफ द डॉग एंड लोकेशन ऑफ योर शर्ट को, फोन को शो कर रहा है। अब यहाँ पे एक चीज समझना, ये जो हमने नाउंस लिखे हैं ना, जैसे डॉग लिखा है या फोन लिखा है, उसके साथ में डिटरमिनर, देखो डेफिनेट वाले डिटरमिनर यूज किए हैं। पजेसिव केसेस जो होते हैं ना वो डिफाइन करने वाले डिटरमिनर्स होते हैं, और जो द आर्टिकल होता है वो भी डिफाइन करने के लिए यूज होने वाले डिटरमिनर होता है। तो अब ऐसी कंडीशन में हम देयर एडवर्ब जो इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट होता है उसका यूज नहीं कर सकते, क्योंकि देयर इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट का यूज तब किया जाता है जब हमारा नाउन इंडेफिनिट स्टेट का हो, जनरल कैटेगरी का हो। ठीक है, क्योंकि वो न्यू इन्फॉर्मेशन होता है तो वो डेफिनेट नहीं हो सकता। लेकिन यहाँ पे योर फोन लिखा, द डॉग लिखा, तो अगर हम द डॉग या योर फोन लिखेंगे तो हमारा लिसनर जो है उसको पहले से ही पता होगा विच डॉग या विच फोन, तो ये डेफिनेट आइडेंटिटी के हैं, इनडेफिनेट आइडेंटिटी इनकी तो है नहीं, तो देयर इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट का यूज नहीं कर सकते। लेकिन 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 अगर हम इन सेंटेंसेस को ऐसे लिख दें, देयर इज द डॉग, तो क्या फिर ये गलत हो जाएगा? और अगर हम इसको ऐसे लिख दें, देयर इज योर फोन, तो फिर क्या ये गलत हो जाएगा? तो आंसर ये है कि नहीं, ये गलत तब भी नहीं होगा, तब भी सही होगा। तो अब हमें ये समझने कि ये सही क्यों हो गया, क्योंकि अब तो ये गलत हो जाना चाहिए, क्योंकि अगर हम देयर को एज एन इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट यूज करेंगे, ठीक है, तो उसके बाद में जो नाउन्स लिखे जाएंगे वो नाउन्स डेफिनेट तो हो नहीं सकते, उनकी आइडेंटिटी इंडेफिनिट होती है। तो अगर आइडेंटिटी इंडेफिनिट है और हम द लिख रहे हैं तब तो ये डेफिनेट आइडेंटिटी हो गई, योर लिख रहे हैं तो आइडेंटिटी डेफिनिट हो गई फोन की, तो योर फोन लिख देने से फोन डेफिनिट हो गया, द डॉग लिख देने से डॉग डेफिनिट हो गया। तो अगर डॉग और फोन डेफिनेट हो गया तो हम देयर यूज क्यों कर रहे हैं? तो उसका आंसर ये है कि ये देयर इसलिए बच्चे यहाँ पे सही हो रहा है क्योंकि ये इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट नहीं है, ये अभी भी एडवर्ब है, और ये हमने इसके साथ इन्वर्टेड फॉर्म लिख दिया, द डॉग इज देयर, देयर इज द डॉग, इनमें से कोई भी इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट नहीं है। इन्वर्जन का एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, इन्वर्जन वगैरह में आप लोगों ने पढ़ा होगा, एडवर्ब में पढ़ाया भी जाता है कि जब हम एडवर्ब्स को स्टार्टिंग में लिखते हैं स्ट्रेस करने के लिए तो उनके साथ हमें इन्वर्टेड फॉर्म लिखनी पड़ती है। ठीक है, इन्वर्जन का कॉन्सेप्ट है, और हमने उसको शायद मतलब यूट्यूब पे पता नहीं मैंने उसको डिस्कस किया किसी वीडियो में या नहीं किया, लेकिन बाकी सारे बच्चे हमारे जानते होंगे, फंडामेंटल्स भी जिन्होंने पढ़ा वो सब जानते होंगे कि जब हम एडवर्ब्स ऑफ प्लेस को सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिख देते हैं तो हम वहां पर इन्वर्टेड फॉर्म यूज करते हैं जिसमें वर्ब और हेल्पिंग और जो भी होती है वो सब्जेक्ट से पहले लिखी जाती है। ठीक है, तो ये जो हमने देयर इज द डॉग लिखा ना बेटा, इसमें ये देयर इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट नहीं है, ये देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है और इज द डॉग इन्वर्टेड फॉर्म में लिखा गया, सब्जेक्ट और वर्ब का सीक्वेंस है। उसी तरीके से योर फोन इज देयर जो है इसमें भी यही काम हुआ है, इसमें भी ये जो हमने देयर यूज किया ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है। चलिए मैं एक एग्जांपल से और ये बात समझाता हूं। देखो
देयर इज अ वेरी फेमस टेम्पल इन, क्या लिख दें, मथुरा। एक ही लिख दिया मैंने, और एक और सेंटेंस देखो, देयर इज द टेम्पल विच वी सॉ इन द मूवी। ठीक है, ये चलो दो एग्जाम्पल्स और लिख देता हूं, एक थर्ड एग्जाम्पल यहां लिख देता हूं, देयर आर देयर आर नो कार्स विच कैन फ्लाई। और फोर्थ एग्जाम्पल, देयर आर योर कार्स अक्रॉस द रोड। ठीक है, अब देखिए ये जो मैंने कुछ सेंटेंस लिखे हैं, इनमें ध्यान से समझना, देयर 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 ये लिख दिया, लेकिन अब ध्यान देना, ये जो हमने देयर लिखा है ना, ये हमारा इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट है, देयर इज अ वेरी फेमस टेम्पल इन मथुरा। तो ये जो वेरी फेमस टेम्पल इन मथुरा हमने लिखा ना, इसका देखो आर्टिकल ए लिख रखा है, तो इसका मतलब ये हम अभी इंडेफिनिट है हमारे लिसनर के लिए फेमस टेम्पल। ठीक है, तो हम उसको फेमस टेम्पल के बारे में जानकारी दे रहे हैं, तो अ वेरी फेमस टेम्पल जो है ना, ये न्यू इन्फॉर्मेशन है जो अपने लिसनर को शेयर करना चाहते हैं। ठीक है, तो इसको हमने प्रेडिकेट में शिफ्ट कर दिया, क्योंकि वो प्रेडिकेट में शिफ्ट कर दिया गया, तो इसीलिए इसके लिए इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट हमने देयर यूज कर दिया, ये रहा। तो ये देयर इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट है, लेकिन जब हम ऐसे लिखेंगे देयर इज द टेम्पल विच वी सॉ इन द मूवी, ये रहा वो टेम्पल जो हमने मूवी में देखा था, तो इसका मतलब टेम्पल तो पहले से ही नोन है। ठीक है, टेम्पल तो पहले से ही नोन है हमारे लिसनर को, तभी हमने द टेम्पल लिख रखा है, तो इसका मतलब ये जो द टेम्पल है ना, यही हमारा सब्जेक्ट है, और ये जो देयर हमने यूज कर रखा है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है जिसको हमने स्टार्टिंग में लिख दिया, इसीलिए इन्वर्टेड फॉर्म लिखनी पड़ गई। तो ये ध्यान रखना कि तुम्हें कि देयर इज ऑल्सो एन एडवर्ब ऑफ प्लेस, एंड वेन वी यूज इट एज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस, वी कैन यूज इट विद डेफिनिट नाउन्स। तो हम इसका यूज उन नाउन्स के साथ में जो डेफिनेट या स्पेसिफिक होते हैं, उनके साथ भी इसका यूज कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, देयर आर नो कार्स, कार्स लिखना था, कार रह गया, एक मिनट। ठीक है, अब जैसे हमने लिखा देयर आर नो कार्स विच कैन फ्लाई, क्योंकि कोई ऐसे कार्स नहीं होती जो फ्लाई कर लें, तो इसका मतलब वी आर नॉट रेफरिंग टू एनी लोकेशन और पोजिशन, वी आर रेफरिंग टू दिस नाउन, हम नो कार्स को रेफर कर रहे हैं, कि मतलब ऐसे कार्स जो फ्लाई कर पाए, ऐसे कार्स होती नहीं है। तो ये हमारी न्यू इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि ये न्यू इन्फॉर्मेशन है नाउन, इसीलिए हमने इसको शिफ्ट कर दिया अपने प्रेडिकेट में, और उसके लिए इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट देयर लिख दिया, तो ये देयर इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट है। फिर हमने लिखा देयर आर योर कार अक्रॉस द रोड, वो रही तुम्हारी कार्स वहां पे, इसमें भी कार्स लिखना बच्चे, ये कार्स इसमें भी लिखना था, मान लो किसी पर्सन की दो या तीन कार हैं, वो कहाँ है हमें ये बताना है, तो हमने ऐसे लिख दिया। ठीक है, अब जैसे हमने लिखा देयर आर योर कार्स अक्रॉस द रोड, अब ये जो योर कार्स लिखा ना, तो कार्स की आइडेंटिटी तो डेफिनेट है, तो इसका मतलब ये सब्जेक्ट है, तो अगर ये सब्जेक्ट है तो ये देयर हमारा एडवर्ब होगा, और ये इसके साथ में लिखी गई इन्वर्टेड फॉर्म हो गई। तो इसको ऐसे समझना है, देयर आर नो कार्स विच कैन फ्लाई, हियर वी आर रेफरिंग टू नो कार्स। फिर हमने लिखा देयर आर योर कार्स अक्रॉस द रोड, हियर वी आर रेफरिंग टू द पोजिशन ऑफ द कार्स। तो ये जो देयर है ना, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है जिसको हमने स्टार्टिंग में लिखा, इसलिए इन्वर्टेड फॉर्म लिख दी गई, और ये हमारा इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट है। ठीक है, खैर अब हमें कैसे पता चल रहा है कि ये देयर इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ये इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस है? तो इसका एक आंसर तो है कि ये जो नाउन्स की आइडेंटिटी है, उससे पता चल जा रहा है कि नाउन डेफिनेट है या इनडेफिनिट है। अगर डेफिनेट है तो सर्टनली देयर फिर एडवर्ब भी होगा, मतलब इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट नहीं हो सकता। एक और भी तरीका है इसको पता करने का, दूसरा तरीका यह है कि आप जब देयर को एज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस यूज करते हो, तो जब हम इसको स्टार्टिंग में लिख देते हैं तो इन्वर्टेड फॉर्म लिखते हैं, अदरवाइज यू कैन शिफ्ट इट लेटर इन द प्रेडिकेट पार्ट, आप इस देयर को जो एडवर्ब है प्रेडिकेट पार्ट में भी शिफ्ट कर सकते हो। जैसे ही हमने लिखा ना देयर इज द टेम्पल विच वी सॉ इन द मूवी, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो,
आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, द टेम्पल विच वी सॉ इन द मूवी इज देयर। तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, द टेम्पल विच वी सॉ इन द मूवी इज देयर, इसे नहीं लिख पाओगे। इसे अगर ऐसे लिखोगे ना, अ वेरी फेमस टेम्पल इज देयर इन द मथुरा, ठीक है, तो ये फिर सेंस खत्म हो जाएगा। तो ये जो सेंटेंस है इसमें ये देयर एडवर्ब है, हमने इसको इट्स करने के लिए स्टार्टिंग में लिख दिया, स्टार्टिंग में लिखा तो इसके बाद इन्वर्टेड फॉर्म आ गई, ठीक है। तो अगर ये देयर एडवर्ब है तो हम इस सेंटेंस को जब असर्टिव फॉर्म में लिखेंगे तो वो देयर जो है वो बाद में शिफ्ट हो जाएगा सेंटेंस के प्रेडिकेट पार्ट में यहाँ पे। तो अगर हम उस देयर को प्रेडिकेट पार्ट में शिफ्ट कर सकते हैं तो समझ जाओ कि वो देयर एडवर्ब है, लेकिन जब देयर इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट होता है तब उसके साथ में ऐसा नहीं किया जा सकता, ठीक है। इसी तरीके से जो हमने सेंटेंस लिखा ना, देयर आर योर कार्स अक्रॉस द रोड, इसको अगर हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं, योर कार्स आर देयर अक्रॉस द रोड, ठीक है, इसको नहीं लिख पाओगे। तो ये मतलब ध्यान रखना है कि देयर जो होता है वो इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट भी होता है और एडवर्ब प्लेस भी होता है। अब जैसे मैंने आपको समझा दिया कि जब देयर को हम एज इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट यूज करेंगे तो इसके बाद लिखे गए नाउन्स की आइडेंटिटी डेफिनेट होगी, मतलब सॉरी इनडेफिनिट या जनरल होगी, तो हम उनके साथ में पजेसिव केसेस या हम उनके साथ में डेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते हैं। लेकिन इन केस अगर देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस के तरीके से हम यूज करेंगे तो इसके बाद लिखे गए जो नाउन्स होते हैं उनकी आइडेंटिटी डेफिनेट भी हो सकती है और हम उनके साथ में द आर्टिकल का और पजेसिव केसेस का यूज कर सकते हैं। ये छोटी सी बात ध्यान रखना। उसके बाद में एक पॉइंट है, मैं ये एग्जांपल्स मिटाऊंगा नहीं, यहीं पे ऐसे लिख देता हूँ। ये प्रोनंसिएशन से वैसे बेसिकली रिलेटेड है, बट यू यू नो दैट प्रोनंसिएशन इज नॉट माय फोर्टे, मैं उसमें डील नहीं करता कि प्रोनंसिएशन जो है वो उसमें मैं डील नहीं करता, मैं करता ही नहीं, ठीक है। हाँ तो लेकिन चूंकि एक पॉइंट होता है इन देयर के डिफरेंस से बेस्ड इनसे रिलेटेड, तो इसीलिए मैंने कहा आपको समझा देता हूँ। देखिए ये जो देयर हमारा डमी सब्जेक्ट होता है ना, इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट जिसे हम कहते हैं, इसका प्रोनंसिएशन होता है सॉफ्ट, ठीक है, और ये जो देयर हमारा एडवर्ब प्लेस होता है इसका प्रोनंसिएशन होता है स्ट्रॉन्ग। ये इनका मतलब प्रोनंसिएशन का डिफरेंस होता है, तो इसको भी आप चाहो तो अपना ध्यान रख सकते हो, बोलते समय आपको हेल्प करेगा। कैसे, ये जो देयर हमने इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट बना के लिखा है इसे हम कहेंगे देयर, देयर इज अ फेमस टेम्पल, देयर इज अ फेमस टेम्पल, ठीक है। तो अच्छा देयर, देयर का मतलब सॉफ्ट प्रोनंसिएशन है। अच्छा ये जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है हम कहेंगे देयर, देयर इज द टेम्पल, ये है देयर और ये है देयर, ठीक है, ये मतलब ध्यान रखना। जैसे हमने लिखा देयर आर नो कार्स, तो इसको हम पढ़ेंगे देयर, देयर आर नो कार्स, सॉफ्ट प्रोनंसिएशन है। और ये जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है इसको हम पढ़ेंगे देयर, देयर आर योर कार्स, तो ये है देयर और ये है देयर, मतलब ये छोटी सी बात है ना, ध्यान रखना, ठीक है। अब उसके बाद में देयर से रिलेटेड एक और पॉइंट कि अब ये तो खैर हम जान ही गए कि देयर को इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट के तरीके से जब हम यूज करते हैं और एज एन एडवर्ब प्लेस के तरीके से यूज करते हैं तो उनमें कुछ डिफरेंसेस होते हैं, वो डिफरेंसेस अभी हमने डिस्कस कर लिया। अब एक छोटी सी बात ये समझ लें कि जब हम पार्टिसिपल्स का यूज करते हैं, ठीक है, किसी नाउन के लिए और वो एडवर्ब प्लेस होता है देयर या डमी सब्जेक्ट होता है तो उनकी पोजिशन चेंज हो जाती है। जैसे कि एक हमने एग्जाम्पल लिखा, देयर इज अ बुक लाइंग ऑन द टेबल, ठीक है। दूसरा हमने लिखा, देयर इज लाइंग अ बुक ऑन द टेबल। अब जैसे अगर हम इन दोनों एग्जाम्पल्स की बात करें तो इसमें कई बार क्या होता है कि कुछ टीचर्स रहते हैं, मतलब या कुछ बच्चे होते हैं, या जो भी कह लो, बच्चे टीचर है, टीचर बच्चे, एक ही बात है, ठीक है। कई बार टीचर भी बच्चे बन जाते हैं, कई बार बच्चे भी टीचर बन जाते हैं, ऐसे रहता है। तो उसको ना इसको लोग गलत बढ़ा देते हैं बच्चों को, मतलब एक दो बच्चे मुझसे ही कह चुके हैं क्लास में पढ़ाते टाइम कि सर ये जो हमने देयर इज लाइंग अ बुक ऑन द टेबल लिखा ये गलत है और इसको ऐसे लिखना चाहिए देयर इज अ बुक लाइंग ऑन द टेबल। अच्छा बच्चों को क्या बेचारे को पता, उसको तो ये भी नहीं पता कि कौन सा देयर इनमें से कौन सा है कौन सा नहीं, उसको तो बस किसी ने बता दिया कि देयर इज अ बुक लाइंग सही होता है, देयर इज लाइंग अ बुक गलत होता है, ठीक है। बच्चे तो बच्चे बेचारे याद कर लेते हैं, वो सोचते हैं गुरु जी बता रहे हैं तो सोच समझ के कुछ कह रहे होंगे, अच्छा गुरु जी खुद ही याद करके बता रहे हैं, उनको तो खुद ही नहीं समझ में आया रहा होगा, ठीक है। तो मैं आपको बताता हूँ ऐसा होता नहीं है, इट डिपेंड्स, मतलब थोड़ा सा इंग्लिश को याद कर लेना आसान होता है लेकिन इंग्लिश को समझना समझाना डिफिकल्ट होता है, दैट टेक्स हार्ड वर्क, उसमें बड़ी मेहनत की जरूरत पड़ती है एंड डिवोशन डेडिकेशन एंड लॉट्स ऑफ थिंग, ठीक है। खैर तो मैं आपसे कह रहा था दोनों सही हैं, अब दोनों सही हैं, ये जो
हम पार्टिसिपल यूज कर रहे हैं, आप चाहो इसको लाइन को मेन वर्ब भी कह सकते हो, बाकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो होती है वो पार्टिसिपल तो होती होती है, ठीक है। तो अब इसकी पोजीशन आपको ध्यान रखनी है। देखो ये दोनों सही है, ये जो देयर हमने लिखा है ना ये है हमारा सब्जेक्ट, और ये जो देयर हमने लिखा है ये है हमारा एडवर्ब, ठीक। तो जब हम देयर को यूज करते हैं एज एन एडवर्ब, अच्छा दूसरी बात भी ध्यान रखना, हालांकि प्रेजेंट पार्टिसिपल तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म को कहा जाता है, बात तो सीधी सी है, लेकिन वो वर्ब की आईएनजी फॉर्म आप किस तरीके से यूज कर रहे हो, एज अ मॉडिफायर यूज कर रहे हो या एज अ मेन वर्ब यूज कर रहे हो, ठीक है। तो अगर हम देयर एडवर्ब यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो ये जो लाइन है ना इट इज द मेन वर्ब, ठीक है। और अगर हम ये लाइन यहाँ पे नाउन के बाद लिख रहे हैं, इट इज नॉट अ मेन वर्ब, इट इज अ मॉडिफायर, मतलब सिंपली वी कॉल इट एडजेक्टिव, हम इसे एडजेक्टिव कह देते हैं, ठीक है। तो ये कहानी है। तो बच्चे ने ये दोनों सही है। अब तुम्हें ये बात ध्यान रखनी कि जब हम देयर का यूज करते हैं एज एन इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट, तो जिस नाउन को ये इंट्रोड्यूस कर रहा होता है, जैसे ये नाउन बुक को इंट्रोड्यूस कर रहा है, तो अगर हम उस नाउन के लिए कोई पार्टिसिपल यूज कर रहे हैं, मतलब पार्टिसिपल का मतलब कोई वर्ब की आईएनजी फॉर्म या वर्ब की थर्ड फॉर्म उसको डिस्क्राइब करने के लिए, ठीक है, तो वो बाद में पोजीशन किया जाएगा नाउन के, क्यों किया जाएगा मैं अभी ये भी समझा दूंगा, ठीक है। लेकिन जब हम देयर को एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट नहीं एज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस यूज करते हैं, ठीक है, जैसे हमने देयर को यहाँ पे एज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस यूज कर लिया, ठीक है, तो अगर वो एडवर्ब ऑफ प्लेस जो हमने यूज किया है उसका जो सब्जेक्ट है, जैसे यहाँ पे बुक सब्जेक्ट है, तो हमें उसके बाद इन्वर्टेड फॉर्म लिखनी पड़ेगी। अच्छा, जब एडवर्ब ऑफ प्लेस को हम स्टार्टिंग में लिखते हैं सेंटेंस के, तो जो हम इन्वर्टेड फॉर्म लिखते हैं उस इन्वर्टेड फॉर्म में वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों ही सब्जेक्ट से पहले लिखी जाती हैं, ठीक है। तो ये इज हो गई हेल्पिंग वर्ब, लाइंग हो गई मेन वर्ब कॉन्टिन्यूअस टेंस की, और ये दोनों ही सब्जेक्ट से पहले आ जाएंगी। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है कि जब हम देयर को यूज करते हैं एज एन इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट, जब हम देयर को यूज करते हैं एज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस, तो उसमें जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म्स और वर्ब की थर्ड फॉर्म्स होते हैं जिन्हें हम यहाँ पे पार्टिसिपल्स कह रहे हैं, उनकी पोजीशन डिफर करती है। अगर हम देयर को यूज कर रहे हैं एज एन इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट तो पार्टिसिपल्स नाउन के बाद पोजीशन किए जाएंगे, लेकिन अगर हम देयर को यूज कर रहे हैं एज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस, ठीक है, तो अगर वो मेन वर्ब वर्ब की जो थर्ड फॉर्म है वो पैसिव की मेन वर्ब हो या वर्ब की आईएनजी फॉर्म जो है वो कॉन्टिन्यूअस टेंस की मेन वर्ब हो, तो आप उसको सब्जेक्ट से पहले लिखोगे, बाद में मत लिख देना, क्योंकि जब हम एडवर्ब ऑफ प्लेस के साथ में इन्वर्जन लिखते हैं तो उस इन्वर्जन में वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों ही सब्जेक्ट से पहले लिखी जाती है। तो ये दोनों ही सही है, वो देयर इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट है और ये देयर हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अच्छा, ऐसे कैसे पॉसिबल हुआ मैं आपको समझाता हूँ। देखो, या एक एग्जाम्पल, एक काम और करता हूँ, एक एग्जाम्पल और लिख देता हूँ, फिर समझना, फिर जल्दी अपने आप ही समझ में आ जाएगा। मैं एक थर्ड एग्जाम्पल भी यहाँ पे लिख देता हूँ। देयर इज द बुक लाइंग ऑन द टेबल, ठीक है। दूसरा मैंने लिख दिया, देयर इज लाइंग द बुक ऑन द टेबल, ठीक है, ऐसे। अब यहां पे ध्यान से समझना कहानी क्या है। यहां तो हमने लिखा आ बुक, आ बुक तो मतलब बुक की आइडेंटिटी इंडेफिनिट है। तो अगर बुक नाउन की आइडेंटिटी, देखिए जब हम देयर इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट यूज करते हैं तब तो वहां पे नाउन की आइडेंटिटी हमेशा ही इंडेफिनिट होती है, ठीक है। लेकिन अगर हम देयर को एज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस यूज कर रहे हैं तो जिस नाउन का यूज किया जाएगा उस सेंटेंस में उस नाउन की आइडेंटिटी डेफिनेट इंडेफिनेट कुछ भी हो सकती है। तो इसका मतलब यह है कि इंडेफिनिट आइडेंटिटी के जो नाउन्स हैं उनका तो यूज हम देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस के साथ भी कर लेते हैं इन्वर्टेड फॉर्म में, और इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट के लिए भी कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन जो डेफिनेट आइडेंटिटी के नाउन्स होते हैं उनका यूज केवल एडवर्ब ऑफ प्लेस जो होता है देयर उसी के साथ किया जा सकता है, जो देयर इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट होता है उसके साथ नहीं किया जा सकता। क्यों नहीं किया जा सकता वो हम डिस्कस कर चुके, क्योंकि इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट देयर जब हम यूज कर रहे होते हैं तो नाउन हमारी न्यू इन्फॉर्मेशन होता है, तो वो डेफिनेट आइडेंटिटी स्पेसिफिक आइडेंटिटी का हो नहीं सकता। तो अब जब हम लिखेंगे ना देयर इज द बुक लाइंग ऑन द टेबल एंड देयर इज लाइंग द बुक ऑन द टेबल, तो ये वाला स्ट्रक्चर हमारा गलत हो जाएगा, ये वाला, क्योंकि इस स्ट्रक्चर में अगर हम लाइंग को वर्ब के बाद नाउन के बाद लिख रहे हैं तो इसका मतलब ये जो नाउन है, ठीक है, और देयर जो हमने यूज किया है वो देयर इस नाउन को रिप्रेजेंट करने के लिए लिखा गया और वो इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट है, ठीक है। लेकिन अगर वो देयर इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट है तो जिस नाउन के लिए उसका यूज किया गया वो नाउन डेफिनेट आइडेंटिटी का कैसे हो गया, तो गलत हो गया, ठीक है। और जबकि ये वाला सही हो जाएगा। ये क्यों सही हो जाएगा, देयर इज द बुक, देयर इज लाइंग द बुक ऑन द टेबल, तो ये इसलिए सही हो जाएगा क्योंकि जो देयर द बुक हमने लिखा ना ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है, और जो इस लाइन लिखी है ये कॉन्टिन्यूअस टेंस की मेन वर्ब है, और ये जो देयर है ये हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है, और इसके साथ हमने इन्वर्टेड फॉर्म यूज कर दिया, देयर इज लाइंग द बुक, ये पढ़िए यहां पर बुक, ठीक है। मान लो कोई पर्सन कोई बुक ढूंढ रहा है, ठीक
ठीक है, उसको ढूंढने से नहीं मिल रही, हमने देखा बुक कहीं पड़ी हुई है, तो हम उसको कह देंगे देयर इज लाइंग द बुक, ये पड़ी बुक, ठीक है। तो वो जो देयर जो ना एडवर्ब है, लेकिन इस देयर को हम एडवर्ब मान नहीं सकते। इसको हम एडवर्ब क्यों नहीं मान सकते? क्योंकि इसके साथ में जो हम नाउन लिख रहे हैं वो डेफिनेट आइडेंटिटी का है, सॉरी इसको इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट हमें मानना पड़ रहा है। इसको हम एडवर्ब इसलिए नहीं मान रहे क्योंकि अगर ये एडवर्ब होता, ठीक है, तो जो लाइंग है ना इसको हम एज अ मेन वर्ड ट्रीट करते और इसको हम द बुक से पहले लिखते हैं, ठीक है। क्योंकि जब हम देयर को या किसी भी दूसरे एडवर्ब ऑफ प्लेस को यूज करते हैं सेंटेंस के स्टार्टिंग में, तो उसके साथ जो इन्वर्टेड फॉर्म लिखी जाती है उस इन्वर्टेड फॉर्म में वर्ब और हेल्पिंग और दोनों सब्जेक्ट से पहले आते हैं, ठीक है। तो ये लाइन हमें पहले लिखना पड़ता है, तो हम इसको एडवर्ब मान नहीं सकते। अच्छा, अगर हम इसको इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट मान लेंगे तो ये नाउन की आइडेंटिटी गलत हो गई, क्योंकि जब देयर इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट होता है तो जिस नाउन को रिप्रेजेंट करता है उसकी आइडेंटिटी इंडेफिनिट होती है, तो ये डेफिनेट आइडेंटिटी का है, तो देयर को हम यहाँ पर एडवर्ब भी नहीं मान, वो इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट भी नहीं मान सकते, तो ये गलत हो गया। तो ये तुम्हें ध्यान रखना है कि जब हम देयर को एज एन इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट, ठीक है, या जब हम देयर को एज एन एडवर्ब यूज करते हैं तो उसके साथ में जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म और थर्ड फॉर्म्स होती हैं उनकी पोजीशन वेरी करती है, ठीक है। अगर हम किसी नाउन के साथ में मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म या मेन वर्ब के थर्ड फॉर्म में मतलब पैसिव वॉइस में यूज कर रहे हैं, ठीक है, और देयर वहां पे एडवर्ब ऑफ प्लेस है, तो वो मेन वर्ब्स नाउन से पहले लिखी जाएंगी, ठीक है। अगर देयर वहां पे नहीं है मतलब एडवर्ब ऑफ प्लेस इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट है, तो वो जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म्स और थर्ड फॉर्म्स है वो नाउन के बाद लिखी जाएंगी। क्यों? अब वो देखो मैं समझा देता हूँ, देखो समझना। जैसे ये जो हमने सेंटेंस लिखे थे दो, अगर मैं इनको फिर से लिखूं क्योंकि ये तो मिट गए, तो जैसे हमने लिखा देयर इज अ बुक लाइंग ऑन द टेबल, ऐसे हमने लिखा, तो यहां पे देखो होता क्या, हमने पढ़ा कि जब हम देयर को एज अ सब्जेक्ट यूज करते हैं, ठीक है, तो वो क्या करता है, देयर को एज एन इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट इसलिए यूज किया जाता है क्योंकि वो जो सेंटेंस में लिखा गया नाउन होता है वो हमारी न्यू इन्फॉर्मेशन होती है जो हम अपने सब्जेक्ट को बताना चाह रहे, अपने लिसनर को बताना चाह रहे होते हैं। तो अगर हम यहाँ पे देयर को एज एन इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट यूज कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये जो नाउन हमने यूज किया ना, ये हमारी वो इन्फॉर्मेशन है जो हम अपने सब्जेक्ट को देना चाह रहे हैं, ठीक है। देयर इज अ बुक की एक बुक है, ठीक। तो ये जो अब बुक हमने लिखा है, ठीक है, यही वो इन्फॉर्मेशन है न्यू जो हम अपने सब्जेक्ट को देना चाह रहे हैं, इसके एग्जिस्टेंस को हम बताना चाह रहे हैं, देयर इज अ बुक की एक बुक है। अब मान लो वो जो बुक है जो इंडेफिनेट आइडेंटिटी की है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, वो कौन से टाइप की, अगर हमें उसके साथ में मॉडिफायर भी लिखना हो भाई, ठीक है, तो हम उसको ऐसे लिख देंगे लाइंग ऑन द टेबल। ये जो एक्चुअल में लाइंग ऑन द टेबल लिखा है ना, ये एक रिड्यूस्ड रिलेटिव क्लॉज है, ये एक रिड्यूस्ड रिलेटिव क्लॉज है, मैं जो कह रहा हूं उसको आप ऐसे समझ पाएंगे, विच इज लाइंग ऑन द टेबल, ऐसे लिख सकते हैं, विच इज लाइंग ऑन द टेबल, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये जो है ना, ये सेकेंडरी इंफॉर्मेशन है, प्राइमरी इंफॉर्मेशन ये बुक है, तो इसीलिए जो पार्टिसिपल्स होते हैं ना वो हम बाद में शिफ्ट कर देते हैं जब हम देयर को एज एन इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट यूज करते हैं किसी नाउन को इंट्रोड्यूस करने के लिए जिसकी आइडेंटिटी इंडेफिनेट हो। इन केस अगर उस नाउन के साथ में कोई पार्टिसिपल वगैरह हमने यूज किया उसको मॉडिफाई करने के लिए, तो वो पोस्ट पोजिशन किया जाएगा, उसके बाद में लिखा जाएगा, पहले नहीं लिखा जाएगा, ये ध्यान रखना है। एक एग्जाम्पल से और बता देते हैं, क्योंकि हमें नाउन को ही स्ट्रेस करना होता है, वही हमारी न्यू इंफॉर्मेशन होती है, तो अगर उसके कोई मॉडिफायर्स वगैरह हैं तो उनको बाद में लिख देते हैं। जैसे मैंने एक सेंटेंस लिखा, सम नहीं 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 देयर के साथ लिखना है, देयर वर सम इनोसेंट पीपल किल्ड इन द क्लैश, ठीक है, या दूसरा हमने लिखा देयर वर किल्ड सम इनोसेंट पीपल, इनोसेंट पीपल इन द क्लैश, देखिए ये बातें मैं आपको क्यों समझा रहा हूं, क्योंकि एक मतलब काफी एक गलत कॉन्सेप्ट है, एक गलत यूज है जो बच्चों को कई बार पढ़ा दिया जाता है कुछ टीचर्स के द्वारा, मतलब मैं चाहता हूं कि आप उसको समझें कि समटाइम्स थिंग्स आर नॉट सो मच ब्लैक एंड व्हाइट, की चीजें कई बार इतनी ब्लैक एंड व्हाइट नहीं होती कि आप इसको इतना इजिली इंटरप्रेट कर दो कि ये सही है ये गलत है, उस पर दिमाग यूज करना पड़ता है, समझना पड़ता है कॉन्टेक्स्ट को, ठीक है, तब पता चल पाता है क्या सही है क्या गलत है, ठीक है।
खास करके लैंग्वेजेस जो होती हैं, चाहे इंग्लिश हो चाहे कोई भी हो, ठीक है, लैंग्वेजेस में हर एक मामला इतना ब्लैक एंड व्हाइट होता नहीं है जितना हमारे टीचर्स हमें बता देते हैं या हमारे स्टूडेंट्स याद करके बैठे हुए हैं कि जो वो जानते हैं वो उतना ही सही है। ये चीजें कई बार देयर लाइज सम ग्रे एरियाज, ठीक है। सो एवरीथिंग इज नॉट दैट मच ब्लैक एंड व्हाइट, हर एक चीज इतनी क्लियर होती नहीं है कि आपने याद कर लिया तो वो हमेशा जिंदगी भर सही रहेगा, ठीक है। यहां देखो, देयर वर सम इनोसेंट पीपल किल्ड इन द क्लास एंड देयर वर किल्ड सम इनोसेंट पीपल इन द क्लास, बोथ दी सेंटेंसेस आर करेक्ट, ये दोनों ही सेंटेंसेस सही है। लेकिन अब होगा क्या, इसमें से कुछ बच्चे रहेंगे जिन्होंने याद कर लिया होगा, जिन्होंने याद कर लिया होगा ना, वो इसको गलत मान लेंगे, इस वाले एग्जाम्पल को गलत मान लेंगे, वो कहेंगे ये गलत है, किल्ड आने चाहिए नाउन के बाद में। मैं कह रहा हूँ ये दोनों सही है, आप समझ नहीं पा रहे इनमें डिफरेंस क्या है, ये दोनों ही सही है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे समझना, मान लो कोई क्लैश हुआ, उसमें कुछ इनोसेंट पीपल मारे गए, अगर हम उन इनोसेंट पीपल को जो उसमें मारे गए वो न्यू इंफॉर्मेशन है, उनको हम मेंशन करना चाहते हैं अपने सेंटेंस में, उनको हाईलाइट करना चाहते हैं और उनके बारे में बताना चाहते हैं अपने लिसनर को, तो हम क्या करेंगे, उन इनोसेंट पीपल को प्रेडिकेट पार्ट में शिफ्ट कर देंगे। जब हम उन्हें प्रेडिकेट पार्ट में शिफ्ट कर देंगे तो उसके लिए देयर इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट यूज कर लेंगे, देयर वर सम इनोसेंट पीपल नाउ। अच्छा, अब उस केस में क्या होगा, वो जो वर्ब के थर्ड फॉर्म या एनजी फॉर्म्स होते हैं वो मॉडिफायर बन जाती हैं, मॉडिफायर का मतलब वो रिड्यूस्ड रिलेटिव क्लॉज हो जाती है, और आप ऐसे मान सकते हो कि हु वर किल्ड इन द क्लास, इसका मतलब ये हो गया हु वर किल्ड इन द क्लास, ठीक है। तो इसका मतलब पता क्या, इसका मतलब ये कि हम स्ट्रेस कर रहे हैं, हम बता रहे हैं न्यू इनोसेंट पीपल के बारे में, ठीक है, कैसे इनोसेंट पीपल जो क्लास में मारे गए, ठीक है। लेकिन हमारा यहाँ पे मेन फोकस जो है ना वो क्लास में मारे जाना नहीं है, हमारा मेन फोकस फोकस है इनोसेंट पीपल, कि वो पीपल इनोसेंट थे जो मारे गए, ठीक। तो हमने इस नाउन फ्रेज को सम इनोसेंट पीपल को क्या किया, इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट देयर से रिप्लेस कर दिया, देयर को इसकी जगह लिख दिया और इन्हें यहाँ पे ले आए, देयर वर सम इनोसेंट पीपल, ठीक है, कि कुछ इनोसेंट पीपल भी थे जो मारे गए, ठीक है। तो ये मॉडिफायर है जो हमने बाद में शिफ्ट कर दिया। लेकिन अब मान लो कि अगर हम देयर को एज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस यूज करें, जैसे जलियांवाला बाग कांड था या कोई भी ऐसी जगह हो जहां पे मान लो कोई क्लैश हुआ और वहां पे बहुत से लोग मारे गए, और अगर हम पॉइंट करेंगे भाई देखो वो जगह है, मतलब ये वो पार्क है, ये जलियांवाला बाग कांड यहाँ हुआ था, ये वो जगह है, ये वो कुआं है जिसमें लोग कूद गए थे, इनोसेंट लोग मारे गए थे, तो आप देयर को जब एज एन एडवर्ब यूज करोगे उस प्लेस को, उस पॉइंट को रेफर करने के लिए, ठीक है, तो आपको सेंटेंस ऐसे लिखना पड़ेगा, देयर वर किल्ड, वहां मारे गए थे, ठीक है। क्योंकि जब ये देयर एडवर्ब होगा ना बच्चे, तो एडवर्ब जब एडवर्ब वो प्लेस होगा तो ये एक्शन को रेफर करेगा कि वो एक्शन कहाँ हुआ था, तो हम एक्शन को सब्जेक्ट से पहले लिख देंगे, एक्शन का मतलब वर किल्ड, मारा जाना, ठीक है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे देयर वर किल्ड सम इनोसेंट पीपल, वहां मारे गए थे कुछ इनोसेंट लोग क्लास में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है ना, सम इनोसेंट पीपल ये बाद में शिफ्ट हो जाएगा, वर किल्ड पहले शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। और ये जो वर किल्ड है ना, ये इन्वर्टेड फॉर्म में लिखी गई वर्ब है जो हमें एडवर्ब ऑफ प्लेस के साथ में लिखनी पड़ती है, और ये इनोसेंट पीपल हमारा सब्जेक्ट है, ठीक। तो ऐसा क्यों हो जाता है, अब रह गई बात ये कि दोनों सही क्यों हो जाते हैं, ये दोनों इसलिए सही हो जाते हैं क्योंकि ये जो सम इनोसेंट पीपल है ना, ये सम इनडेफिनिट नंबर का डिटर्मिनर होता है, भाई सम है एनी है, ये इनडेफिनिट नंबर्स पे इनडेफिनिट अमाउंट्स को रेफर करने के लिए यूज होने वाले डिटर्मिनर हैं। तो अगर हम किसी ऐसे नाउन के बारे में बात करें जिसकी स्टेट इनडेफिनिटनेस की है, मतलब जो इनडेफिनिट स्टेट का है, इनडेफिनिट आइडेंटिटी का है, जनरल आइडेंटिटी का है, तो उसका यूज हम दोनों ही टाइप के एडवर्ब्स के साथ, देयर के साथ में कर सकते हैं, उस देयर के साथ में भी जो इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट होता है और उस देयर के साथ में भी जो एडवर्ब होता है, ठीक है। तो ये कंफ्यूजन क्रिएट होता है। लेकिन अगर वो नाउन डेफिनिट आइडेंटिटी का हो, तो फिर अगर मान लो डेफिनेट आइडेंटिटी का नाउन होगा तो फिर यही सही होगा, फिर ये वाला हो जाएगा गलत तुम्हारा। तो बस ये लास्ट पॉइंट से मैं तुम्हें ये समझाना चाह रहा था, ठीक है, कि जब हम देयर को यूज करते हैं एज एन एडवर्ब ऑफ प्लेस और एज एन इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट, तो जब हम इसे एज एन इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट यूज करते हैं तो ये हमेशा सेंटेंस के शुरुआत में लिखा जाता है, इसीलिए हम इसे इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट कहते हैं। लेकिन जो देयर हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है, हम कई बार उसको भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में लिख देते हैं, तब हमें उसके साथ में वर्ब की इन्वर्टेड फॉर्म यूज करनी पड़ती है, और उस इन्वर्टेड फॉर्म में क्या होता है कि जो हेल्पिंग और मेन वर्ब है वो सब्जेक्ट से पहले, सब्जेक्ट बाद में चला जाता है। अब यहाँ पे कंफ्यूजन क्रिएट होता है कई बार, तब जब हम कोई मेन वर्ब भी यूज कर रहे होते हैं सेंटेंस में, चाहे पैसिव वॉइस की थर्ड फॉर्म बी के साथ में या मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म बी के साथ में, क्योंकि ये जो बी की फॉर्म्स होती है ना, इज एम आर, ठीक है, वॉज वर, इनके साथ हम वर्ब की आईएनजी फॉर्म भी लिखते हैं, थर्ड फॉर्म भी लिखते हैं, थर्ड फॉर्म लिखते हैं पैसिव में, आईएनजी फॉर्म लिखते हैं एक्टिव में, ठीक है। तो वो जो वर्ब की आईएनजी फॉर्म और थर्ड फॉर्म होती है, जिन्हें हम प्रेजेंट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल के नाम से भी जानते हैं, उनकी जो पोजिशन होती है वो वैरी करती है। अगर देयर एडवर्ब ऑफ प्लेस है तो वो जो वर्ब की थर्ड फॉर्म या आईएनजी फॉर्म है वो नाउन से पहले आपको लिखनी है, ठीक है। अगर देयर हमारा वहां पे इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट है,
आपको फिर नाउन के बाद में लिखनी है, ठीक है, क्योंकि वो नाउन का मॉडिफायर होता है। तो पहले नाउन हमारी न्यू इन्फॉर्मेशन होती है, पहले हम उसको लिखते हैं, बाद में मॉडिफायर लिखते हैं, ये कहानी है, ठीक है। तो खैर, तो जैसा कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था कि दो इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं, एक देयर होता है, एक इट होता है। देयर के यूजेस कम होते हैं, लेस कॉम्प्लिकेटेड होते हैं, फ्यूअर होते हैं, तो उसको हमने इसलिए पहले डिस्कस कर लिया और ये ओवर हो गया। अब बच गया इट, इट को भी हम डिस्कस कर लेंगे किसी दूसरे वीडियो में या फिर कभी और, ठीक है। अभी तुम्हें क्या करना है, ये जो पढ़ाया गया इसको अपना अच्छे से समझना, सीखना, रिवाइज करना है। उसके बाद में ये वीडियो मैंने लाइव नहीं लिया यूट्यूब पे, वजह क्या है कि जब मैं लाइव वीडियो लेता हूँ तो मुझे लगता है कि बहुत ज्यादा टाइम मैं लगा देता हूँ बातों को डिस्कस करने में, कि मुझे बहुत टाइम लग जाता है डिस्कस करने में। अच्छा, यूट्यूब वगैरह पे जैसा कि आप लोग जानते हैं कि यूट्यूब का ट्रेंड वगैरह क्या है कि भाई आपको अगर कोई मतलब वीडियो वगैरह बनाना है तो 20-30 मिनट का ही बनाना चाहिए, उससे ज्यादा का नहीं बनाना चाहिए, ठीक है। लेकिन अब मेरे जैसे पर्सन से बात खत्म नहीं हो पाती 20-30 मिनट में, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आज उसको ना लाइव के बजाय अपने स्टूडियो में रिकॉर्ड कर लिया कि बाद में अपलोड कर दूंगा। खैर, अब कहानी क्या है कि ये रिकॉर्ड करते करते भी मुझे लगता है काफी टाइम हो गया है, ठीक है। तो इसको अपना देखना, एंजॉय करना, और उसके बाद में ये इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट्स का कॉन्सेप्ट कैसा लगा, कैसा नहीं लगा, ये अपना कमेंट में एक बार बताना, ठीक है। कमेंट करके बताना कैसा लगा ये देयर का यूजेस और ये जो सब आज हमने डिस्कस किए। फिर उसके बाद में फिर मैं इट की तैयारी करता हूँ, मतलब तैयारी है उसकी भी, किसी दिन वीडियो बनाना पड़ेगा, या तो लाइव टाइम में डिस्कस करेंगे या रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। तो क्या कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, ये एक छोटी सी बात, ये व्हाट्सएप नंबर है मेरे टच में रहने के लिए, 9891991959, ठीक है। कॉल्स ना करें, कॉल्स इरिटेट मी, ठीक है। कॉल्स, पहली बात तो ये व्हाट्सएप कॉल्स ना करें, क्योंकि ये व्हाट्सएप मेरे फोन में है, तो व्हाट्सएप कॉल करोगे तो मेरे फोन पे आ जाएगी, मैं नंबर कर दूंगा ब्लॉक, जिससे भी व्हाट्सएप कॉल आएगी मैं ब्लॉक कर देता हूँ, ठीक है। तो आप व्हाट्सएप मैसेज करें जितने चाहे करें, ठीक है। कॉल करनी है तो कॉल के लिए नंबर सुमित के पास रहता है, ठीक है। बैच से रिलेटेड या कुछ और पूछना है तो उससे पूछ लें, ठीक है। और कोई बात ऐसी है जो तुम्हें लगता नहीं मुझसे ही पूछनी है तो फिर व्हाट्सएप पे पूछें, बट कॉल ना करें, मतलब कॉल्स इरिटेट मी, ठीक है। मुझे फोन पे बात करना अच्छा नहीं लगता, तो वो मुझे इरिटेट करती है। ये नंबर है पूरा, देख लेना, ठीक है। बाकी चलिए बढ़िया है, अपने टच में रहो, एंजॉय करो इंग्लिश को, सीखते रहो, बढ़ते रहो, सिखाते रहो, ठीक है। सो थैंक यू एवरीबडी, बाय। बहुत अच्छा लगा तुम लोगों के साथ में, सी यू सून अगेन, थैंक यू।